चलो यार, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैंने देख लिया कहाँ तक के किस तरह के क्वेश्चन हमने अभी किए थे, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलो 86 नंबर क्वेश्चन से ध्यान रखना, आज हम 86 से शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अब इस वीक में दोनों तीनों क्लासेस में टाइपिस्ट है, तो मैंने एक ही पूरी स्लाइड एक ही बनवा रखी है, एक से मतलब जहां तक 150 क्वेश्चन तक, जो जो क्वेश्चन बचते चले जाएंगे उनको हम लास्ट देंगे, क्योंकि हर दिन अपनी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी, तो आखिरी दिन के लिए हमारे लिए आसानी होती चली जाएगी, इसलिए मैं थोड़ी सी सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया। चलिए देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और आपको करना है क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक मिनट का वक्त मैं आपको दे रहा हूँ और इसे एक मिनट में आपको करना ही करना है। करो शाबाश करो भाई। देखिएगा पीक्यूआर का प्री केंद्र, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। पी क्यू आर का प्री केंद्र बाहर वाले वृत्त का केंद्र, ये ओ ले दिया जी, ये जी। अब इसने मेरे को बोला है क्यू ओ आर, क्यू ओ और ये जी आर, क्यू ओ और आर, क्यू ओ आर 110 है, 110, ये 110 है, 110। अगर ये 110 है, अगर ये 110 है तो ये कितना हो जाएगा जी 55, ये कितना हो जाएगा 55। अगर ये 110 है तो ये हो जाएगा जी 55। क्यू पी ओ पी आर, ओ पी आर, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये पता चल गया ना 55 कैसे हुआ है, क्योंकि प्री केंद्र है बाहर वाले वृत्त का केंद्र, तो सर्कल के सेंटर पे जितना भी कोण बनेगा ये इसका आधा 55 हो जाएगा। अब इसने बोला ओ पी आर, इसने बोला ये वाला ओ पी आर, ये जी 25 दे रखा है, तो ये 30 हो जाएगा। और अगर ये 30 हो जाएगा तो इसने बोला पी आर क्यू, तो मुझे एक बात बताओ, ये और ये दोनों रेडियस है कि नहीं है, क्योंकि जब बाहर वाले वृत्त का केंद्र हो गया तो ये दोनों रेडियस हो गई, और अगर ये दोनों रेडियस हो गई तो इसका मतलब इस ट्रायंगल की दोनों भुजाएं क्यू ओ आर में दोनों भुजाएं बराबर हो गई। हाँ सर, दोनों भुजाएं बराबर हो गई। और अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई है तो इसका मतलब ये कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएंगे, तो 110 को 70 बच गया, 70 में ये कितना रहा होगा 35। अच्छा मुझे ये बताओ, जो ये वाली है OP, OP और OR दोनों बराबर हो गए क्या? OP और OR दोनों बराबर हो गए। हाँ सर, दोनों बराबर हो गए। और अगर ये दोनों बराबर हो गए हैं तो ये अगर 25 है तो देखो इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, तो ये भी 25 रहा होगा। तो इसने बोला PRQ, PRQ, PRQ कितना बढ़ जाएगा 25 और प्लस में 35, तो ओवरऑल मिलाकर कितना हो जाएगा, ओवरऑल मिलाकर हो जाएगा 60। आंसर मेरा आ जाएगा 60। बोलो क्या आपको बात समझ में आई? अगर यहां तक बात समझ में आ रही है तो यस बोलिएगा, हां सर बात समझ में आ रही है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी के अंदर ओ प्री केंद्र है, ये वाला हो गया ओ इज ए सर्कम सेंटर, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एबीसी ओ प्री केंद्र है, ओ प्री केंद्र है जो त्रिभुज एबीसी के अंदर, तो ओ बी सी, ओ बी सी ये वाला, और ओ बी ए सी ये वाला, एंगल कितना होगा आपको ये बताना है। बोलो बताओ जी कितना होगा, एक एक मिनट लगाते रहो, फटाफट चीजों का जवाब देते चले जाओ। क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, बताओ शाबाश। एक मिनट का वक्त है, सोचिए कुछ एंगल मान के सोचना कि यार ये कितना एंगल होगा, हाफ ऑफ एंगल बी ए सी, बी ए सी का आधा होगा, कैसे हो जाएगा वो, तो ये होगा। अच्छा ये वाला, हाँ ठीक है, हो सकता है आप सही हो, हो सकता है आप सही हो, बताइए शाबाश। देखो प्रूफ करने के लिए चाहे एक्स वाई जेड मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, देखो यार मैं अगर इसको ऐसे मान लेता हूँ जी, ये वाला जो मैंने एंगल है ना, मैं अगर आपको मान के दिखा रहा हूँ, ये वाला मैंने 80 मान लिया दोस्त, ये वाला अगर 80 है तो ये दोनों तो बराबर ही है। हाँ सर, ये तो दोनों बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कितने बच गए, 100 बच गए, ये दोनों कितने बच गए, 100 बच गए। और अगर ये दोनों 100 बच गए तो इसका मतलब ये रहा होगा कि 50 ये रह गया और 50 ये, तो ओबीसी 50 हो गया, ओबीसी 50 हो गया, और ये वाला कितना हो गया 80 का आधा, 80 का आधा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो मैंने देखा ये 50 और ये 40 या कितना बन गया 90 बन गया, ये 50 और ये 40 टोटल कितना बन गया भैया। ओबीसी देखो ये वाला कौन कौन सा है, ओबीसी इसकी जगह तो मैं 50 रख सकता हूं, और बी ए सी इसकी जगह मैं 40 रख सकता हूँ, और 50 और 40 कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा, तो ये कितना जाएगा 90। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना दोबारा, हटाओ इसको जी। मैंने क्या माना अपनी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से इसको मान लिया जी 100, चलो 100 मत मानो भाई, 50 40 का गेम बनेगा। मैंने अपनी तरफ से इसको कितना मान लिया जी 110। अगर ये 110 है, प्री केंद्र है, प्री केंद्र बाहर वाले वृत्त का केंद्र, बाहर वाले वृत्त का केंद्र 110 है, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों रेडियस हो जाएंगे, बच गया तो इसका मतलब ओ बी सी की जगह मैंने रख लिया 35, और चीजें सेट हो जाए। अब देखो इसी चीज को अपन एक्स वाई से देखते, क्यों देखेंगे अपन एक्स वाई से। अगली बात, जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ सर 120, 120 है तो ऑटोमेटिक ये तो आधा जाएगा, ये तो 60 जाएगा, और ये दोनों अगर 60 बच गया तो इसका मतलब 30 ये रहा। ये दोनों चाहे कितने ही बदल जाए लेकिन इन दोनों का सम नहीं बदल रहा है, ये दोनों कुछ का कुछ ही ले लिया हमने, 50 40 ले लिया, 35 55 आ गया, 30 60 आ गया, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहा। तो ये बात मेरे दिमाग में बिल्कुल सेट बैठ गई, बिल्कुल घर कर गई, क्या कि ओ बी सी, ओ बी सी
जो भी होगा ओबीसी ये वाला कोण और जो ये वाला कोण है, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आगे आपको प्रूफ करना आ गया है, चलिएगा हमेशा 90 रहेगा। चलिएगा जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, समद्विबाहु बाहु त्रिभुज ए बी और ए सी दोनों बराबर है, ए बी और ए सी दोनों बराबर है, एंगल ए इसके सामने ये कोण, ए बी और ए सी बराबर है ना, ऐसा कैसे हो सकता है फिर, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण दोनों बराबर है, दोनों बराबर है जी। अभी तरह की कोण ए बी का दोगुना है, कोण ए बी का दोगुना है, अगर ये दोगुना आ गया तो कुछ भी मान सकते हो, आपने ये 45 मान लिया, ये 45 मान लिया, ये 90 हो जाएगा, 90 हो गया ठीक है। ए बी ए सी, ए बी अगर तीन है, ए बी अगर तीन है तो इसका मतलब ये भी तीन रहा होगा, एक एक रूट दो तो दोस्तों ये 3√2 हो गया। तो अंत त्रिज्या 90 डिग्री वाली, अगर 90 डिग्री वाली अगर ये आ गई तो अंत त्रिज्या 3 + 3 − 3√2 / 2 याद आ गया, बोलो याद आ गया क्या, P + B − H / 2 3 + 3 − 3√2 / 2 3 + 3 − 3√3 / 2 3 कितना हो जाएगा 6 माइनस में 3√2 / 2 है, ये तो हो जाएगा ये वाला, ये तो हो गया जी R। अब रहेगा जी R, R कितना रहेगा इसका आधा 3√2 / 2 ये हो जाएगा। अब ये कह रहा है इन दोनों का अनुपात, ऊपर से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, इन दोनों 6 माइनस 2√2 / 2 और 3 जो ऊपर से मैं 3√2 ही कॉमन ले लेता हूँ, कहाँ से 3√2 कॉमन लिया मैंने, यहाँ से देखो 3√2 कॉमन ले लिया, 3√2 कॉमन ले लेता हूँ, ये तो √2 बच गया और 3√2 तो ये 1 बच गया और डिवाइडेड बाई 2 और ये आ जाएगा 3√2 / 2 और 2 से 2 कट गया, 3√2 / 3√2 कट गया, तो यानी मेरा अनुपात आ जाएगा अंत त्रिज्या अगर √2 - 1 है, अंत त्रिज्या अगर √2 - 1 है तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो आंसर मेरा आ जाएगा √2 - 1 ratio 1 ये लीजिए। बोलो बात क्लियर हो गई भाई सभी को, चलिएगा चलिएगा भाई नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या 15 है, ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, इसके बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या दे रखी है जी 15 और ये अगर 15 दे रखे तो टोटल हो जाएगा 30, अगर ये अगर 15 दे रखी है तो टोटल हो जाएगा 30 और अंतःवृत्त की त्रिज्या है 6। देखो यहाँ पे 30 एक में ही बैठा है, यहाँ पे 30 एक में ही बैठा है, ये 18 आ गया, ये 24 आ गया, अब अंतःवृत्त की त्रिज्या 6 दे रखी है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, 18 + 24 - 30 / 2 तो 24, 18, 42, 42 में से 30 गया तो 12 और 12 बटा 2 अगर अपन करेंगे 12/2 अगर अपन करेंगे तो कितना बनेगा दोस्त, 6 बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि सर अगर दो जगह 30 दे रखा होता तो अपन चेक कर लेते, लेकिन इस केस में तो चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इस केस में चेकिंग की भी कोई जरूरत मुझे महसूस नहीं है क्योंकि एक ही जगह पे 30 बैठा है। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, ये चीज मैंने आपको थ्योरेटिकल सेक्शन में सिखाई थी कि भाई साहब जो ये आर होता है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ये जो आर होता है ना ये आर हमेशा हाइपोटेन्यूज का आधा होता है, ये आर हमेशा हाइपोटेन्यूज का आधा होता है ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना था, तो ये 15 है तो इसी हिसाब से मुझे ये 30 आ गया और जो ये इन रेडियस होता है, इन रेडियस बार बार ध्यान रखो, बार बार इस बात का ध्यान रखो, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर मेरा आ जाएगा P + B - H / 2 ये आ जाएगा ये वाला। बोलो बात अगर क्लियर है तो, चलो जी क्लियर है बताओ। समबाहु त्रिभुज है ABC, ओ इसका प्री केंद्र है, यह मानते हुए कि AB 5 है, AC 5 है और इस अगर समबाहु त्रिभुज है तो सामने वाली भुजा के मिडपॉइंट को BC 6 है तो ये भी 3 हो जाएगा, तो दोस्तों ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, तो ये भी 3 हो जाएगा, समद्विबाहु है ना, संभव बोल रहा हूँ, तो ये 5 है ये 3 है, तो ये अगर ये दोनों भुजाएं बराबर होती है तो सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगा और 90 डिग्री पर जाकर मिलेगा, सामने वाली भुजा के मिड पॉइंट पर मिलेगा और 90 डिग्री पर मिलेगा और एंगल बाइसेक्टर होगा, तीनों चीजें होती है, या तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, मिड पॉइंट भी होगा और 90 डिग्री भी होगा। तो अब इसने बोला ये 5 है ये 3 है तो ये ऑटोमेटिक ये 4 हो गया, तो परिवृत्त की त्रिज्या बतानी है आपको क्या होगी, परिवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है क्या होगी, बोलो भाई कैसे निकालेंगे, बोलो कैसे निकालोगे। नवीन ने आंसर दे दिया है 8/3, बाकी बच्चे नवीन ने आंसर दे दिया 8/3 2:1 से, वेरी गुड 8/3 लेकिन नहीं आएगा 8/3 तो जहां तक मेरा आइडिया जा रहा है, सारे बच्चे 8/3 लिखने लगे, 2:1 वाली जो प्रॉपर्टी है वो समबाहु त्रिभुज के अंदर लगती है न कि समद्विबाहु में, वहां पर सारे एंगल सारी साइड सब कुछ इक्वल प्रोपोर्शन में बैठ जाएगा तब जाके वो समबाहु त्रिभुज में लगेगी। भूल गए कोई बात नहीं। अच्छा मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, आर इक्वल टू होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, बोलो ये बात आपको बताई थी क्या, आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर, हां सर ऐसी तो बात बताई थी। तो यार एक बात और बताई होगी, आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाई 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो डिवाइडेड बाई 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोलो भाई अगर क्या ये भी बात बताई थी,
मैं तो सिर्फ आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये भी बात बताई थी क्या? बिल्कुल बताई थी, बिल्कुल बताई थी, कोई समस्या ही नहीं थी इस बात में भी। तो लगा दो सीधा सीधा गेम, ए बी सी आपको पता है, 5 × 5 × 6 डिवाइडेड बाई 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये 90 डिग्री वाली हाइट तो निकल के आ गई। तो मैंने यहां से देखा जी ये तो 2 बज गया, ठीक है, और 2 से जी ये 3 चला गया, 3 आ गया, और 6 × 4 = 24, 3 से जी ये 2 चला गया, 25/8, तो जी आंसर कितना बन जाएगा, 25/8। इसके अलावा आप कुछ भी निकाल रहे थे वो चीजें आपके लिए दिक्कत वाली बात थी और कोई मजे वाली बात नहीं थी। इसके अलावा आपने कुछ भी निकाला, 50/8 कैसे हो जाएगा ढक्कन, राजेंद्र प्रसाद नाम तो इतना छोड़ देते हो, भारत के राष्ट्रपति जैसा काम करते हो, कैसा बोलो, ये दोनों चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा वो राइट एंगल ट्रायंगल वाला चीज याद होनी चाहिए, दो ही तो बात थी, इसके अलावा कोई बात ही नहीं थी भाई। एक बच्चे ने गलती से 8/3 दिया, एक बात समझा करो। एक भी बच्चा जब तक खुद नहीं आता है तब तक आपको कोई जवाब नहीं देंगे, जब तक आपको आता नहीं है तब तक आप कोई जवाब नहीं देंगे, इस बात का ध्यान रखना, जब तक आपको नहीं आता तब तक आप कोई जवाब मत दिया करो भाई, कोई भी जवाब, ठीक है मेरे भाई। ऐसा नहीं कि एक बच्चे ने लिख दिया और आपने फटाफट लिखा, आप किसी एग्जाम में थोड़ी बैठे, सीखने के लिए तो बैठे, नहीं आया तो क्या बात होगी, अगला क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार याद नहीं मिलेगा, दूसरी बार याद नहीं मिलेगा, तीसरी बार याद नहीं मिलेगा, याद होगा, लेकिन याद कब होगा, जब हमें ये फील आएगा कि यार याद नहीं। अगर वैसे ही लिखते चले जाएंगे, एक बच्चे 8/3 लिखा, ऑनलाइन लग गया 8/3 के आगे, आपको ये भी नहीं पता 8/3 क्यों आ रहा है ना, और अब वो लास्ट में पता चला यार ये तो गलत निकल रहा है, तो इसलिए ऐसा नहीं करना है। चलो देखो, त्रिभुज एबीसी में डी भुजा बीसी पर स्थित है, आराम से देखना, आराम से चीजों को पहचानना है, कोई जल्दबाजी नहीं, ट्रायंगल एबीसी बनाओ आप भी, मैं भी फिगर तब तक बना रहा हूं, मैं इसका कांसेप्ट अभी नहीं बताऊंगा, मैं तो बस फिगर फिगर बनाऊंगा, आप भी दिमाग लगाओ, क्योंकि देखिए ज्योमेट्री सीखी तभी जाएगी दोस्त जब आप दिमाग चलाना शुरू करेंगे, नहीं तो ऐसे ऐसे 150 क्वेश्चन निकल जाएंगे, फिर 300 क्वेश्चन निकल जाएंगे, फिर आपको ये तो लगेगा यार सर ने तो सारी बात कराई थी, मुझे नहीं आई, भैया क्यों नहीं आई, क्योंकि आपने अभी एफर्ट नहीं लगाया इस वजह से 40 से। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, ए डी बी सी के ऊपर लंबवत है जी, चलो जी ये 90 डिग्री लगा दिया, चलो जी ये लंबवत आ गया, ए बी 40, ए सी 14 दे रखा है जी, ए डी 5 दे रखा है जी, ठीक है, एबीसी की बाह्य त्रिज्या क्या होगी, मेरे उम्मीद से आप बहुत आसानी से इस बात को निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पंगा पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, पंगा पड़ने दो, आप आंसर निकालो, पंगे को भी देखेंगे, पंगा डालने के लिए तो चीजें कर रही हैं, ये 40 है, ये 5 है, तो 40 - 5 = 35 और 40 + 5 = 45 का अंडर रूट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, 40 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, 40 - 5 = 40 + 5, तो आ जाएगा 5 × 7 और ये आ जाएगा 5 × 9, तो 5 + 5 = 5 बाहर, 5√63, 5√63, और अब डीसी निकाल दो, और अगर अपन डीसी निकाल देंगे तो 14 - 5 = 9, 14 + 5 = 21, 19, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो एक बार ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी, तो 14 में से 5 गया, तो 9 + 14 + 5 = 19, 9 को आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा सर 3√19। बोलो यहां तक बात क्लियर हुई तो हो गई, अगर यहां तक बात क्लियर हो गई है तो अब एक साइड आ गई, दूसरी साइड आ गई, तीसरी साइड आ गई, तो एबीसी की बाह्य त्रिज्या ज्ञात करनी है, अगर बाह्य त्रिज्या ज्ञात करनी है तो आर इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन में 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल, याद आ गया, तो ये ए है 40, बी है 14 और सी है ये वाला 5√63 + 3√19, एबीसी डिवाइडेड बाई 4 × एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ 5√63 + 3√19, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है 5, ये हाइट तो है, तो एक बात तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाफ ऑफ और 5 × 5 × 5 = 5 5 हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, यही तो होगा, तो अब एक बात तो ये वाली चीज से निकल जाएगी, बोलेगा बोलो बोलो बोलो, क्या ये वाली चीज से निकल गई, और ये वाली चीज से कट गई, तो ये 2 का कट जाएगा 2, और अगर ये 2 कट गया, ठीक है, और 2 × 5 = 10, 10 से जाएगा कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 14 × 4 कितना हो जाएगा 56, लेकिन ये 56 आएगा कैसे, ये क्वेश्चन तो हमने निकाल लिया, लेकिन मुझे इस क्वेश्चन के अंदर ही कुछ गड़बड़ लग रही है, 56 कैसे हो सकते हैं, तो दो साइडों से बड़ी होगी यार, गड़बड़ होगी क्या ये, फिफ्टी सिक्स तो आ गया, इसमें कोई इशू नहीं है, 64 चलो इसका कुछ हो सकता है, ट्रायंगल नहीं बना, बिल्कुल ये तो मेरे हिसाब से ट्रायंगल ही नहीं बनेगा यार, इस क्वेश्चन के अंदर मिसप्रिंटिंग हो सकती है, हमने आंसर तो निकाला लेकिन ये ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, ये बात भी आप सही, आप क्या बिल्कुल सही बात है, ये क्वेश्चन ही मिसप्रिंटिंग का है, ऐसी संख्याएं पॉसिबल ही नहीं हो सकती इस संख्या के लिए, इस क्वेश्चन को आप यहां आ जाओ, एक आध क्वेश्चन थोड़ा इधर ऐसे ऐसे आ जाता है, ये देखो समकोण त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या ये है, अंतः त्रिज्या ये है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या होगा, देखो यार
अगर बाह्य त्रिज्या इसने 5.4 दे रखी है, 5.4 का मतलब हो गया ये 10.8, 5.4 का मतलब हो गया ये 10.8, बोलो ये 10.8 है, 10.8, और अंतर त्रिज्या दे रखी है ये वाला 3.2, तो R is equal to कितना है P plus B minus H by 2, तो इस R की जगह तो रख दो जी 3.2, R की जगह तो रख दो जी 3.2, इस H की जगह रख दो जी 10.8, दो तीन छह 6.4 प्लस में 10.8 is equal to P plus B, इसको अगर मैं देखता हूँ 16 ये आ जाएगा, 8 और 4 12 बचा 1 17.2, ये P plus B आ गया है 17.2, P plus B आ गया 17.2, ठीक है। और अब अगर मैं देखता हूँ कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, H मेरे को पता है, तो क्या कर सकते हैं अपन, क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ P इंटू बी चाहिए है यार अपने को, हाफ ऑफ P भी चाहिए है ना, और हाफ ऑफ P भी अगर अपने को चाहिए है, इसका मैं डायरेक्ट अगर फॉर्मूला आपको बता दूं, आर स्क्वायर प्लस में 2, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं यार, वो तो फिर आपके लिए रटना पड़ जाएगा, तो कैसे इसको और आपके लिए आसान कैसे बनाया जा सकता है, मैं इस चीज पे थोड़ा सा विचार कर रहा हूँ। 5 × 10, 5 × 5 और 2.16, 2.16 है, 2.16 है तो 48 और 6 और 8 और 64, 8 और 4 12 बचा 1, 6 4 10 और 1, 8 और 4 12 बचा 1, 1 6 और 4 10 और 1 11 बचा 1, फॉर्मूला तो मेरे पास है जो मैंने सॉल्यूशन बना रखे हैं इसके लिए, मैं चाहता हूं कि कोई आसान सी चीज आपके लिए आ जाए, मुझे थोड़ा सा ये चीज को मैं आगे बढ़ा देता हूं। अब यहां आ जाओ 93 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, 93 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, एक बार ये दो तीन क्वेश्चंस जो थोड़े से कंफ्यूजिंग टाइप के क्वेश्चंस है करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, लेकिन इनके कोई आसान पैटर्न में ढूंढ के लेके आऊंगा, करेंगे ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि नई सीट है और मेरे लिए भी एकदम से सारे लगभग क्वेश्चंस बहुत सारे नए हैं, तो मैं चीजों को यहां पर आपके सामने ही सॉल्व करता हूं। एक आध क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता तो लगता है कि या तो कोई संख्याओं के अंदर या तो कोई उससे जो कंटेंट वाला रेडी करके दिया या तो संख्याओं के अंदर कुछ फेरबदल किया जाए या कुछ और कंडीशन क्वेश्चन में डाली जाए कि क्वेश्चन थोड़ा सा और बेहतर रिप्रेजेंटेशन दे सके, इसके लिए चलो बताओ भाई। ये तो आसान सा क्वेश्चन है 93, ये तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा ही है, समान भुजाओं में से ये 15 हो गया, ये 15 हो गया, और सामने वाली भुजा पर अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया, सामने वाली भुजा पर अगर आपने परपेंडिकुलर डाल दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये 15 है, ये 15 है, ये 8 दे रखा है, तो जब दो भुजाएं बिल्कुल इक्वल होती हैं तो सामने वाली भुजा पर जो परपेंडिकुलर डलेगा वो मिड पॉइंट पे डलेगा, ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 होगा, ये भी 17 होगा, बोलो जी ठीक है। बाह्य त्रिज्या निकालनी है, R is equal to ABC, अपर में 4 into एरिया ऑफ ट्रायंगल, A कितना है 15 है, B भी कितना है 15 है, और C कितना है 17 है, अपर में 4 into में half of 17 into में 8, half of base into height, अगर 2 से कटेगा 4 बार, 17 से कटेगा 17 बार, तो 15 225 और 225 बटा 16, 225 बटा 16 तो आंसर आ जाएगा 225/16। डाउट आपका अगर क्वेश्चन के अंदर है तो बताइए, अगर आपका एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो वो तो फिर डाउट क्लास में लेंगे ना भाई, जिस भी भाई ने मैसेज अभी किया है वो अगर एक्स्ट्रा कोई डाउट है तो आपका डाउट क्लास में ले लेंगे मेरे दोस्त, और अगर वैसे अगर कोई चीज है तो आप पूछ सकते हो आप यहां पर, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अभी करके आए थे, इस तरह का क्वेश्चन अभी करके आए थे, बात समझ में आ गई, हां 15 ये तो 34 आएगा ना, ये कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई, 15 34 4 इंटू ये भी 34 आएगा यार यहां पे, ये तो फिर सारा गड़बड़ाट गड़बड़ाट आगे इसमें सारे में, बिल्कुल 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 कैलकुलेशन एरर हो गई, हाफ ऑफ दिस बेस है 34, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट ये 8 है ठीक है, अब 2 से ये 4 डिवाइडेड बाय 16, ये सेम टेक्निकली रॉन्ग था वो तो पॉइंट कि अपन गलती से 17 को ही ले गया, क्योंकि हाफ ऑफ बेस इनटू में तो आधी का एरिया लिया था, एरिया कंप्लीट का लेना है तो इसका मतलब टोटल बेस लेना पड़ेगा, हाफ ऑफ बेस बटा 8, क्लियर हो गई सारी बातें, चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसको भी एक बार छोड़ देना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइन रूल के साथ ही हो पाएगा, क्योंकि मैं अभी आपको थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर ये सारे बड़े क्वेश्चन एक साथ ही ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाएगा, 95 भी मुझे लगता है ऐसा ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 पे आ जाएगा, आपके पास करके देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 96 करके देखो इस क्वेश्चन को,
बाह्य त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या होती है ए बी सी अपन में 4 इंटू एरिया ऑफ ट्रेंगल, और अंतर त्रिज्या होती है आर इज इक्वल टू ट्रेंगल अपॉन सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल अपॉन में सेमी पैरामीटर, ये होता है जी एबीसी अपॉन 4 इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पैरामीटर, ये होता है। अब आपको ये निकालना, तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां भी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां भी चाहिए, 4:3 एफर्ट किया, बहुत अच्छी बात है। चेक करते हैं क्या आएगा, मुझे मेरे पास भी आंसर तो नहीं होगा, चेक करते हैं भाई, बहुत बढ़िया, अगर आपने एफर्ट किया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां भी चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां भी चाहिए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हीरोज फार्मूले से, हीरोज फार्मूले में सेमी पैरामीटर 12, 10, 22, 22, 11, 33, तो 33/2 32, 33/2 -10 20, तो ये आ जाएगा 13/2, 33/2 -11 33 में से 22, 22 अगर जाएगा तो ये आ जाएगा 11/2, और 33/2 -12, और 12 दूनी 24, 24 अगर जाएगा तो ये आ जाएगा 9/2, ये आ जाएगा 9/2। तो देखो इस 33 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस 33 को मैं आराम की आसान भाषा के अंदर में लिख सकता हूँ 11 × 3, तो 1 11 ये रहा, तो 1 11 बाहर, 9 का 3 बाहर, अंदर 39 बच जाएगा, ये 2 बाहर, अगला 2 फिर बाहर, तो ये 4 बच जाएगा, तो ये आ जाएगा जी 33/4। ये तो हो जाएगा भैया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया। क्लियर होगी सभी को बात यहां तक, तो ट्रायंगल का एरिया। अब मैंने देखा अगर ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं, अगर अब कुछ नहीं बचा तो लिखो फिर, तो एबीसी 10 × 11 × 12 अपॉन में 4 इंटू में 11 गुना 3 √39 और बाई 4 है, तो ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा, रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख दो 11 गुना 3 √39 डिवाइडेड बाई 4 इंटू सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर कितना बनेगा 33 और नीचे वाला 2 को कर दो ऊपर, ये लो जी। अब आपके सामने सब कुछ है, आप इसको 4 से 4 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, ठीक है, 11 या 33 से 11 या 33 कैंसिल, ठीक है, 3 से ये 4 कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, 4 गुना 8 और 8 गुना 10 तो ये तो हो जाएगा 80 और ये 39 तो ये हो जाएगा 39, तो रेशियो मेरा बन जाएगा 80:39, ये बन जाएगा 80:39। बोलो क्या बात बिल्कुल समझ आ गई क्या, एक एक बच्चे को एक एक बात समझ में आ जानी चाहिए, हाँ सर कैसे कैसे किया है, मुश्किल नहीं था लेकिन थोड़ा लेंथी जरूर था, इससे क्या है जो चीजें आपको मैंने पढ़ा रखी है ना वो चीजें धीरे 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 याद होना शुरू हो जाएंगी, जो चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है वो चीजें याद होना शुरू हो जाएंगी। आपको ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड है, ठंड में दिमाग भी काम नहीं करता है, ठंड लग रही है। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, बताओ जी इसका जवाब देना है सभी बच्चों को, अभी तरीका सिखा के आया हूं, सभी बच्चों को इसका जवाब देना है, एक मिनट का मैं वेट करूंगा। दोनों का अलग अलग आंसर मेरे पास है नहीं, मैं भी चीजों को निकालूंगा, मैं सिर्फ क्योंकि नया नया कंटेंट बना है, जिन बच्चों ने 200/200 लिया है मैंने पुराना कंटेंट उनको सारा दे दिया कि ये तो है ही अपने पास, अब इसमें और बेहतर करो कि और बच्चों को 200/200 लेके आने में परेशानी ना हो, तो वो बच्चे आपके लिए लगे रहते हैं सारा दिन और वो धीरे 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 चीजें अब फरवरी से आपके सामने आने लग जाएंगी। बताओ मुझे आंसर, बताओ एक बच्चे का है 37:4, एक बच्चे का है 35:16, तो 35:16 में दो लोग आ रहे हैं। चलो भाई अब मैं स्टार्ट कर पाई हूं, आंसर गया तो 4 बी अपॉन √6 ये आ गया, और अंतर त्रिज्या बाद में लिख लिया मैंने, चलो बात डिवाइडेड बाई, अब आपने एक बार देखिए ये रूट से उधर जाएगा, ये जो बताने वाला पहले लिखना था, तो 35 रेशियो मेरा कितना बन जाएगा 16:35, इन बच्चों का बिल्कुल सही था, बस थोड़ी सी ये एरर अपन नहीं मान सकते क्योंकि अभी तो घर पे काम कर रहे हैं, बाकी जो भी बच्चों ने जैसे भी किया था आने लगेंगे तो आपको ये चीजों का पता चलेगा कि हम सही चला रहे हैं कि हम गलत चला रहे हैं, लेकिन पहले चलाना सीखे से, तो आपको आ गया है ये क्वेश्चन। चलिएगा जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, 98 नंबर क्वेश्चन है जी, करके देखो आप क्वेश्चन नंबर 98, ए बी 6 है बी सी 8 है, अरे यार अभी मैं इस बच्चे को जवाब दे देता हूँ, तब तक आप आंसर निकालो। हेलो हेलो, हाँ बोलो भाई, नमस्कार, 28 जनवरी से बेटा आप पहले पुराने स्टूडेंट हैं, आपका बैच अधूरा रह गया था, 27 तारीख को ऑफिस ओपन हो जाएगा बेटा, फिर कभी भी आ जाइए आप, सारा बता देंगे बेटा 27 को सारी चीजें पूछ लेना, ऑफिस एक बार आ जाना 27 तारीख को, बता देंगे बेटा 27 तारीख को, अभी मैं क्लास में हूँ, बाद में कॉल कर लेना। अब ऑफलाइन वाले बच्चों के लगातार फोन आने लगे हैं ना, ऑफलाइन वाले बच्चों के लगातार फोन, अच्छा मुझे एक बात तो चलो अभी वैसे दूर है लेकिन डिस्कशन करेंगे इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा, अच्छा किसी बच्चे का दिमाग में बनी कुछ बात, चलो मैं बताता हूँ कोई बात नहीं, मैंने अपनी तरफ से फिगर कंप्लीट कर लिया, मैं अपनी तरफ से फिगर को कंप्लीट कर लिया भाई, और फिगर कंप्लीट करके मैंने ये सर्कल भी पूरा कर लिया। अब एक बात देखो यार, ये 6 है, ये 8 है,
तो क्या ये 10 हो जाएगी? बोलो दोस्त। हाँ सर ये 10 हो। क्या ये 8 हो जाएगी? बोला हाँ सर ये 8 है। तो क्या ये भी 8 हो जाएगी? बिल्कुल सेम रखा है मैंने। और ये 10 हो जाएगी? बिल्कुल सर। अब मुझे एक बात बता दो, ये सर्कल मैंने साइज के सर्कल है तो इन रेडियस बन गया होगा, और अगर ये इन रेडियस बन गया होगा तो 10 10 20 20 और 16, अच्छा 10 10 20 20 में से 16 गया तो 4 4 बटा 2, तो इन रेडियस आ गई मेरी 2, इन रेडियस आ गई मेरी 2। लेकिन इस तरीके से अगर निकालेंगे तो फिर वो, एक मिनट रुको, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे निकालता हूं तो ऐसे आंसर कुछ अलग आएगा क्या? ये 6 दे रखा है, तो हाफ ऑफ 20 इंटू हाइट अपॉन सेमी पेरीमीटर, 10 और 10 20 20 और 16 36 36 का 18, 6 से जाएगा 3 बार, 2 से जाएगा 8 बार, तो ये तो 8/3 आ गया। हाँ ये आएगा इसका आंसर, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी बच गया, फिर एंगल 90 थोड़ी बच गया, तो आंसर आ जाएगा 8/3। क्या समझ आया कि दोबारा समझाऊं? समझ आया भाई? सर मैं भी ऑफलाइन पढ़ा हूँ। चलो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई। अच्छा ये चीज समझ आई जो मैंने लिखी है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। आर बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर, आर बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाला? एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, 16 गुना 6 हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट और डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। तो ये 10 हो गया था, ये 10 हो गया था, 10 10 20 20 और 16 36 36 बाद 18 हो जाएगा, 18 हो गया तो सारा कट गया, 3 3 से कट गया, ये 2 से 8 बार कट गया, तो सारा कुछ मिला मिलाकर कितना हो जाएगा 8/3। अच्छा कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने अभी 2 निकाला था, भैया मैं उस चीज में ये 90 डिग्री था, अब जैसे मैं ये ट्रायंगल बना दूंगा, ये एक और ट्रायंगल बना दूंगा, तो फिर ये 90 थोड़ी बच गया अभी है, तो इसलिए आपको ऐसा करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 99, एबीसी समकोण है, समकोण है जी, बी पर एक अर्धवृत्त बनाया गया है, ठीक है, जैसा जैसा अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ओ वृत्त का केंद्र है, ओ कहां है इसमें, ओ अर्धवृत्त का केंद्र है, ये है जी ओ, ये कुछ साइड वाइड दे नहीं रखी, बस ये 3 दे दिया, ये 6 दे दिया ना, आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, अगर राइट एंगल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी याद हो तो, यहां एक बात को हमेशा ध्यान रखो, सीधा जो ये अर्धवृत्त का केंद्र होता है ना, हमेशा ध्यान रखो आर स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों दूरियों के गुणा, 3 गुना 6, ऐसा क्यों होता है? समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी, जब एडवांस प्रॉपर्टी हम करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, ये हमेशा ध्यान रखो इस बात को, हमेशा इस क्वेश्चन का, तो दो बार पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 6 तो आर बराबर कितना बन जाएगा, 3 गुना 3 तो 12 आ जाएगा, 3 15 आ जाएगा, रूट तो हमेशा ध्यान रखिए जो ये होता है ये बाई सिमिलरिटी हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, कैसे करते हैं ये चीज भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमेशा बाई सिमिलरिटी हम इसको प्रूफ करते हैं ऐसे कि डायरेक्ट याद रखिए 3 इंटू 6 जो भी दे रखा हो जहां पर भी सेंटर होता है ये वो है अर्धवृत्त का केंद्र है, और अर्धवृत्त का केंद्र है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलो जी एक समकोण त्रिभुज में एक अर्धवृत्त बनाया गया है, जैसा चित्र, तो ए बी अगर 6 है, बी सी अगर 8 है, ए बी 6 है, बी सी 8 है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है क्या होगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है क्या होगी, ये तो रेडियस सर्कल की रेडियस बता दी ना मेरे भाई आपने राजेंद्र, ये तो आपने सर्कल की रेडियस बता दी, इसके अंदर सर्कल नहीं है, इसके अंदर आपने तो इसकी रेडियस बता दी, किसकी ना, ये बतानी है, आप समझ गए जो गलती आपने की है। अब मुझे लगता है कि कल से तो सारे हाई लेवल के क्वेश्चन समझ गए हैं, आज मैं चाह रहा था कि थोड़ा बेसिक लेवल के और हो जाते तो चीजें आपको, क्योंकि हाँ एक बात का ध्यान रखना यार, कल की क्लास से जो भी कल क्लास होगी फिर इस वीक में 2-3 दिन क्लास, आज कितनी तारीख है, आज 12 तारीख है क्या, आज कितनी तारीख, आज 13 तारीख है, आज 13 ना, अब तो फिर 3-4 दिन की क्लास नहीं है ना, अब तो सीधी क्लास 17 या 18 तारीख हुई है, क्योंकि इस वीक मैं ऑलरेडी कहीं बाहर हूँ, बाहर तो क्या हूँ मैं, राजस्थान से हरियाणा आया हूँ, घर पे आया हूँ मैं, तो इस वजह से हाँ स्पेशल क्लासेस मैं आपके लिए करूँगा, क्योंकि टाइपिस्ट है नहीं तो मुझे जो संख्याओं में थोड़ा चेंज करवाना होता है उस वजह से, कि मैं वहाँ पे हूँ, अब तो मैं वहाँ पे संडे या मंडे को मैं पहुंचूंगा, तो उसके बाद आपकी क्लासेस, तो ये प्लस वाली क्लासेस तो फिर रेगुलर चलती रहेंगी, प्लस की क्लासेस को तो आपको रिवाइज करना ही करना है, और यहाँ पर मैं आपकी स्पेशल सेक्शन वाली क्लास ले रहा हूँ स्पेशल सेक्शन के अंदर, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है, आज 13 है तो मुझे लगता है कि 14, 15, 16 और 17 4 दिन क्लास है नहीं शायद, मुझे अभी ध्यान तो बाद में आपसे पूछ लेता हूँ, फिर अपने 8 से 10 स्टार्ट हो जाएंगी, और फिर धीरे 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 शेड्यूल, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन हमेशा मैं पढ़ाता ही रहूँ, तो इस 8:30 के टाइम को 8:30 बजे के टाइम को चेंज करना पड़ेगा, मैं तो पिछले महीने बोला कि इसके अलावा इवनिंग में आपके लिए कौन, दूसरी बात अभी क्योंकि मैं एक टाइम फिक्स करना चाह रहा हूँ, बार बार की आप भाई 8:30 बजे से, तो मैं ये चाह रहा हूँ एक ठीक टाइम हो जाए,
या 8 PM तक। यार मैंने है, अब सुबह 8 बजे स्टार्ट हो सकती है क्लास, 8 बजे से पहले क्लास स्टार्ट। मैं आपको इस वाले क्वेश्चन, अब इसने बोला है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या बतानी है जी, क्या होगी? स्पर्श रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। स्पर्श रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है? ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस रहा होगा, ये भी रेडियस रहा होगा, ये अगर रेडियस है, ये भी रेडियस रहा होगा, ये भी रेडियस रहा होगा, तो ये 6 r हो जाएगा। और ये अगर 6 r हो गया और ये 8 r हो जाएगा, ये वाला कौन सा, यहां से लेके यहां तक ये 8 r हो जाएगा, और ये अगर 8 r हो गया तो अभी मैं सिमिलरिटी लगा सकता हूँ। ए ये एम पॉइंट में मान लेता हूँ, ये ओ पॉइंट में मान लेता हूँ, ये 90 है, ये थीटा होगा, तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। ए एम ओ सिमिलर होगा, ये एन पॉइंट में मान लेता हूँ ओ एन सी। देखो कैसे, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैंने ये थीटा मान लिया तो क्या ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला 90 - थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो भैया? ये वाला एंगल 90 - थीटा होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो। हाँ सर होगा। और मुझे बताओ ये वाला ट्रायंगल अगर 90 डिग्री है, ये वाला अगर 90 डिग्री है, अगर ये थीटा होगा तो ये 90 - थीटा होगा, अगर ये थीटा होगा तो ये 90 - थीटा होगा, ये भी 90 - थीटा होगा। हाँ जी, अगर ये 90 - थीटा हो गया ये 90 - थीटा हो गया, ये थीटा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या ये वाला EMO, क्योंकि ये 90 - थीटा, ये 90 है, तो ये ऑटोमेटिक थीटा हो गया, और ये अगर ऑटोमेटिक थीटा हो गया तो क्या ये दोनों ट्रायंगल 90 - थीटा पे होगा? तो यहाँ ओ रख दो, ये एम पे 90 है, यहाँ एन पे 90 है, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए? और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, तो आपको पता है कि AM by ON is equal to MO by NC is equal to AO by OC। तो AM कितना है? 6 - r। ON कितना है? ONR। MO कितना है? R है। NC 8 - r है। ये R, ये दोनों ले लिया अपन ने, और ये 8 - r, 8 * 48 - 8 r - 6 r, तो -14 r, और प्लस का r square से r square गया तो 14 r इक्वल टू 48, तो r इज इक्वल टू 48 बाई 14, 24/7 आंसर आ जाएगा 24/7। जब कुछ भी समझ में आए तो सिमिलरिटी तो लगनी ही लगनी होती है, इस बात का ध्यान रखना, जब कुछ भी समझ में आए तो सिमिलरिटी लगानी होती है। ये सिमिलरिटी आपको मैंने बता दिया किस तरीके से लगनी है, ठीक है भाई? नहीं भाई, ये शॉर्टकट, ये लॉन्ग कट नहीं है, ये बात मैंने लिखी है बस। ये जब इस तरह के 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे तो ऐसा कोई शॉर्टकट है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको पेपर में इतना थोड़ी लिखना है, तीनों बातें थोड़ी लिख रहे हैं, आपको किसी को प्रूफ थोड़ी करवाना कि ये आर, ये लाइन खींचो, ये लाइन खींचो, आपको प्रूफ थोड़ी करवाना। अभी मैं इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा, हो गया बस। ये जी सर्कल का सेंटर है, ये जी सर्कल, सर्कल का मतलब सेमी सर्कल का सेंटर है। AP अगर 6 है और ये 8 है, तो आपको पता है कि स्पर्श रेखा सेंटर के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो ये तो 90 डिग्री हो गया, ठीक है? ये r हो गया, तो इधर वाला जो बनेगा ये 8 - r बन जाएगा, 8 - r। अब आपको पता है ये m पॉइंट है, ये o पॉइंट है, ये m पॉइंट है, ये o पॉइंट है, तो m o c। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये थीटा मान लेता हूँ, एक बार सोचना मेरे साथ साथ, अगर मैं ये थीटा मान लेता हूँ तो क्या ये वाला कौन होगा? ये 90 - थीटा हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अच्छा मुझे बताओ, सिर्फ ट्रायंगल OMC में, सिर्फ ट्रायंगल OMC में, OMC ये थीटा, ये 90, तो ये 90 - थीटा, ये भी तो 90 - थीटा होगा। हाँ सर, ये 90 - थीटा हो गया, ये 90 - थीटा हो गया, ठीक है? अगर ये थीटा, ये 90 - थीटा, अब मैंने देखा कि O के ऊपर 90 - थीटा है, इधर A के ऊपर 90 - थीटा है, इधर B के ऊपर 90 डिग्री है, इधर M के ऊपर 90 डिग्री है, O के ऊपर 90 - थीटा है, इधर A के ऊपर है, इधर M के ऊपर है, इधर B के ऊपर है, ये इधर तीसरा एंगल OMC, इधर से भी ABC, और ये सिमिलर हो गया, बोलो जी। क्या ये दोनों सिमिलर हो गए? क्या ये दोनों एंगल सिमिलर, ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए? अगर दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए तो सिमिलरिटी लगा दो जी, दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर हो गए हैं तो ये सिमिलरिटी लगा दो। जब कुछ भी ना समझ में तो सिमिलरिटी लगानी होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं यहां से देखूंगा OM by AB is equal to MC by BC is equal to OC by AC। तो यहां से अगर मैं देखूंगा OM R और AB 6, MC पता नहीं जी, BC 8, OC 8 - r, ये दोनों ले लिया मैंने, एक तो ये ले लिया और एक ये ले लिया। OC 8 - r डिवाइडेड बाय AC 10 हो गया, ये हो जाएगा 10 r, 48 - 6 r, ये आ जाएगा 16 r, 16 r आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू कितना बढ़ जाएगा,
क्या बात समझ में आई। जब कुछ भी ना चीजें आपके दिमाग में पल्ले पड़े तो सिमिलरिटी लगा देना। जब कोई भी रास्ता ना बचे तो मंदिर जाना चाहिए, जब कोई भी होप ना बचे तो भगवान पे भरोसा करके बैठ जाना चाहिए। तो ज्योमेट्री के अंदर जब कोई भी होप नहीं बचे, कोई रिजल्ट याद ना हो, तो क्या करना है, सिमिलरिटी लगा देनी है, सिमिलरिटी को देखकर आगे बढ़ना है। बोलो बात क्लियर हुई क्या सभी बच्चों को? मेरे अकॉर्डिंग आपको बात बिल्कुल आराम से क्लियर हो गई है। तो चले आगे, चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर, अंतर्वृत्त और बाह्य वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी बताओ जी क्या होगी। ये चीज मैं आपको सिखा चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ, ये मैं रिजल्ट में बता चुका था लेकिन एक लाइन पे रिजल्ट बताया था, हो सकता है याद भी ना हो, लेकिन कोई बात नहीं याद हो, अब करवा देंगे। सबसे पहले बात है त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 है। 5, 12, 13 देखते ही मुझे एक बता दो, 5, 12 और 13 देखते ही क्या ये चीज याद होगी क्या? ये 5 है, ये 12 है, ये 13 हो जाएगा। आर इज इक्वल टू 13/2 हो गया और आर कितना हो जाएगा 5 + 12 = 17। 17 में से 13 गया तो 4 और 4/2 = 2, तो आर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको पता है कि बाह्य वृत्त और इसकी त्रिज्या का R² - 2 RR और इसका अंडर रूट ये होता है। तो आर का स्क्वायर 169/4 माइनस में ट्वाइस ऑफ 13/2 इंटू आर 2 और इसका, तो ऐसा करते हैं अपनी तरफ से नीचे 4 बनाई लो ना यार, ऊपर भी 2 की गुणा कर दो, नीचे भी 2 की गुणा कर लो, नीचे 4 बनाई लो, 13 × 26 = 22 = 52 = 104, 104 जाएगा तो √65 और नीचे 4 बचेगा, 4 का आ जाएगा 2, तो आंसर मेरा आ जाएगा। आपको पता चलेगा 2/2 से बड़ा नहीं बनाते, इसको कट भी कर लेते लेकिन फिर बाद में 13 × 26 = 26 की 4 से गुणा करके एलसीएम लेते हैं, मैंने एलसीएम सेम लिया ना, नीचे 4 बना लिया मैंने, तो नीचे 4 बना दिया, बहुत आसानी से इसका आंसर निकाल के, तो आंसर आ जाएगा आपका ये वाला। तो आज शाम को 7 बजे ठीक है, आज शाम को 7 बजे क्लास होगी, कौन से वाली, ये क्वेश्चन हम कल से शुरू करेंगे, यहाँ से यहाँ तक के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, आज स्पेशल क्लास है, शाम को ऐसा करते हैं 1 घंटे की स्पेशल क्लास रखते हैं, कल सुबह 1.5 घंटा रख लेंगे, कल 14 139 नंबर क्वेश्चन। सर मैं आपका ओल्ड क्लास देख रहा था, रेशियो का क्वेश्चन था, एक ही वीडियो है क्या? रेशियो की वीडियो तो स्पेशल क्लास में थी ना, अभी प्लस पे तो रेशियो पढ़ाया ही नहीं ना सुबह, तो प्लस पे रेशियो में पूरा पढ़ाएंगे, टेंशन के लिए वो तो स्पेशल क्लास थी, उसमें कभी कभार प्रैक्टिस करवा देते हैं कुछ भी, तो जो प्लस क्लास होती है ना उसके अंदर कंप्लीट टॉपिक मिलेगा, स्पेशल क्लास के अंदर तो मैंने एक दो टॉपिक पूरा करवा रखा है, क्योंकि वो वाली क्लासेस बस एक शेड्यूल के पैटर्न से लेनी पड़ती है, नहीं तो ये जो प्लस कोर्स है उसका कुछ अलग से बेनिफिट तो मिले आपको, तो इसलिए प्लस कोर्स के ऊपर ही कंप्लीट टॉपिक होगा जो भी होगा, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इन ट्रायंगल PQR, त्रिभुज PQR में ये P है, ये Q है, ये R है, त्रिभुज PQR में PR तथा PR पर बिंदु S है और ये बिंदु T है, लिखा इसने PR पहले लिखा है, पहले बिंदु S है, PQ बाद में लिखा है, फिर बिंदु T है, तो मैंने PR के ऊपर मैंने S ले लिया और PQ के ऊपर मैंने T ले लिया। एंगल PQR यानी ये वाला कोण, यानी कि ये वाला कोण, और एंगल PHT यानी ये वाला कोण, ये दोनों बराबर दे रखे हैं जी, ये दोनों बराबर दे रखे हैं, PT 5 दे रखी है, PS 3 दे रखी है, TQ भी 3 दे रखा है और SR की लंबाई आपको निकालनी है, क्या होगी? जब क्वेश्चन के अंदर कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी ना बैठे वो ध्यान से समझना, वो धीरे धीरे चलेगी की बात को समझते हुए, जब क्वेश्चन के अंदर कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी ना याद आए तो सिंपल सी बात है, एक ही चीज होती है, सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, सिमिलरिटी या कॉन्ग्रुएंसी, एक ट्रायंगल के अंदर अगर दूसरी ट्रायंगल है तो वो कॉन्ग्रुएंट तो हो ही नहीं सकते, वो सिमिलर हो सकते, देखिएगा कैसे। अब मुझे पता है कि एंगल पी छोटे ट्रायंगल के अंदर भी है, एंगल पी बड़े ट्रायंगल के अंदर भी है, एंगल पी छोटे ट्रायंगल के अंदर भी है और एंगल पी बड़े ट्रायंगल के अंदर भी है, एंगल एस यहां से मैंने ले लिया और इधर से मुझे बड़े ट्रायंगल का लेना पड़ेगा क्यू, एंगल एस यहां से तीसरा एंगल ले लिया मैंने टी, जब ये दो एंगल बराबर हो गई, जो कोण पी था वही कोण पी है, इसने खुद बोला एस क्यू के बराबर है, अगर दो एंगल बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल्स हो गए जी सिमिलर, बोलो ठीक है, और सिमिलर ट्रायंगल है तो अब आपको पता है आप चीजें क्या लिख सकते हो, पहले दोनों ले लो पी एस डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू एस टी डिवाइडेड बाई क्यू आर इज इक्वल टू पी टी, पहला तीसरा फर्स्ट एंड थर्ड पी टी डिवाइडेड बाई पी आर, पी टी डिवाइडेड बाई पी आर, क्लियर है जी, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि यहां से मुझे एस आर चाहिए है, तो ये पी आर वाली तो लेनी ही पड़ेगी, एक तो ये ले लिया, एक तो ये ले लो, एक जो चीज गिवन कर रखी है पी एस और पी क्यू गिवन कर रखी है, एक मैंने ये ले लिया, इन तीन में से दो उनका चयन करो जहां से आंसर आसानी से निकल सकता है, तो मुझे पता चला पी एस तो 3 है भाई, पी क्यू तो 8 है, इज इक्वल टू पी टी, पी टी अगर 5 है, इज इक्वल टू पी आर, पी आर कितना है 3 + x, पी आर कितना है 3 + x, x मान लिया मैंने, तो ये तो करूंगा तो 9 + 3x इज इक्वल टू 40 है, तो 3x इज इक्वल टू 31 है और x इज इक्वल टू कितना है 31/3, x इज इक्वल टू कितना है 31/3, बोलो जी आंसर आ गया आप सभी बच्चों का बहुत आसानी से, चलो जी बहुत बढ़िया। एक बार इंटरनल वाला छोड़ देते हैं एक बार के लिए, इसको भी यहां रिमेन्स लिख देता हूं, रिमेनिंग, चलो जी क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान से, ए बी सी एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर एक लाइन दे रखी है और आपको ए सी 760 दे रखा है, तो ए ई बताना है कितना होगा, ये अब आ गए हैं थोड़े अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन में दो दो तीन मेथड लगते हैं, अभी पहले मैं एक ही मेथड सिखाऊंगा फिर आपको सेकंड थर्ड इस तरीके से, पहले तो वो मेथड की आपके दिमाग में हमेशा सेट हो वो चीज, तो
जब भी आपके दिमाग में कोई भी सीधा सीधा रिजल्ट ना बने तो आपने तो सीधी एक बात सोच रखी थी सिमिलरिटी आएगी, लेकिन सिमिलरिटी के लिए कोई दो लाइन पैरेलल तो हो या दो एंगल बराबर हो, या तो एंगल बराबर हो या तो पैरेलल लाइन हो। अब ना तो इसमें एंगल दिखाई दे रहा है ना इसमें पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, तो भाई हम कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया जी, हमने अपनी तरफ से एक लाइन डीएम अपनी तरफ से एक लाइन खुद से ड्रो कर लो, क्योंकि सिमिलर जब कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो सिमिलरिटी है, तो सिमिलरिटी के लिए या तो जी एंगल बराबर हो नहीं तो जी लाइन पैरेलल हो। तो डीएम पैरेलल हो गया, डीएम पैरेलल हो गया है किसके, बीएफ के लगा लो, ईएफ के लगा लो, पूरी लाइन के पैरेलल बीएफ के, डीएम पैरेलल हो गया है बीएफ के। बोलो जी क्लियर होगी बात। अब मैंने इस बात को देखा कि देखो ए ये अब जो पैरेलल ही हो गया तो ये एंगल ट्रायंगल एईएफ है और ट्रायंगल एडीएम दोनों सिमिलर हो जाएंगे, ट्रायंगल एईएफ और ट्रायंगल एडीएम दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे, दोनों के दोनों सिमिलर हो जाएंगे। और सिमिलर हो गए तो एई मैं लिख देता हूं, फिर मैं हटाऊंगा, एई बाई एडी इज इक्वल टू ईएफ, नहीं एएफ लिखो, एएफ फर्स्ट थर्ड एएफ डिवाइडेड बाय एएम, याद आ गया। लेकिन एक बात करो, जो मैंने आपको थ्योरम के बारे में बताया था, जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो यहां पर भी ये वाली बात भी तो सिखाई थी मैंने, एई बाय ईडी इज इक्वल टू एएफ बाय एफएम। बोलो जी एई बाय ईडी और एएफ बाय एफएम क्या याद आ गया, क्या ये वाली की इस पैरेलल लाइन से ऊपर वाली इसे नीचे वाली, इसे ऊपर वाली इसे नीचे वाली। अब मैं इन दोनों को हटा रहा हूं, मैं तो आपको समझाने के लिए लिखा था ये बात। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से ये एई दो दे रखा है और ईडी तीन दे रखा है, इसीलिए तो दे रखे, यानी कि अगर ये दो है तो ये तीन है, तो कहने का मतलब ये भी दो होगा तो ये भी तीन होगा। बोलो जी यहां तक बात अगर क्लियर हुई तो पहली लाइन आ गई। अब मैं दूसरे चीज को आगे लेके पढ़ाता हूं, मैंने बोला ट्रायंगल सी एफ बी सिमिलर हो गई ट्रायंगल सी एम डी। बोलो भाई एक कॉमन एंगल, एक ये कौन और ये कौन, और ये कौन और ये कौन, बात क्लियर हो गई। तो मुझे पता है बी डी दो होगा तो डी सी तीन होगा, बी डी दो होगा तो डी सी तीन होगा। तो इधर से शुरू करो, इस कॉमन वर्टेक्स से शुरू करो, ट्रायंगल सी एफ बी में देखो, ट्रायंगल सी एफ बी में देखो मेरे भाई, यहां से कॉमन एंगल से शुरू करो, तीन और अगला हिस्सा दो, तो इसका मतलब ये भी तीन और ये अगला हिस्सा दो, ये अगला हिस्सा दो। अब मुझे बताओ सर अब क्या करें, ये कह रहा है कि ट्रायंगल सीएफबी में, सीएफबी में एफएम का मान दो है, एफएम का मान दो है, और मैंने बोला कि ट्रायंगल एडीएम में एफएम का मान, यहां पर एफएम का मान तीन है। रेशियो प्रोपोर्शन की बात याद करो, एफएम तो बराबर होना चाहिए, और एफएम अगर बराबर होना चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, एफएम बराबर होना चाहिए तो बराबर कर दो, इसकी तीन से इसकी दो से गुणा कर दो, इसकी भी दो से गुणा कर दो, और इस दो वाले की तीन से गुणा कर दो, इसकी भी तीन से गुणा कर दो। तो अब मुझे कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई है कि चार और छह दस, दस और छह सोलह, चार और छह दस, दस और नौ उन्नीस, यानी एसी अगर 19 आ गया, अगर एसी 19 आ गया तो ये इधर दो की गुणा है, तो इधर भी तो दो की गुणा है, अगर एसी 19 है तो एई चार है, लेकिन ये 19 ना होकर जी 760 बैठा है, कितने गुना पे 40 गुना, तो चार का भी 40 गुना जी टोटल कितना हो जाएगा 160, चार का भी 40 गुना तो टोटल कितना हो जाएगा जी 160। बोलो क्या बच्चों को आपको समझ आई क्या बात, अभी मैं इस तरह के एक दो क्वेश्चन और कराता हूं, इसी तरीके का एक दो क्वेश्चन समझ आ गया। चलो जी एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, आपको गिवन कर रखा है BE रेशो EC, रेशो लिख दो या अपॉन में लिख दो बात बराबर ही है, BE रेशो EC कितना कर रखा है जी, BE रेशो EC कर रखा है 1:1, और आपको गिवन कर रखा है AF रेशो EF, BE 1:1, और आपको गिवन कर रखा है AC इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो आपको चाहिए क्या है, CD का मान आपको निकालना है, मुझे सभी बच्चे आंसर बताएंगे क्या होगा, सीडी का मान आपको निकालना है क्या होगा बताइए भाई। 10 नवीन जैन का आंसर आ गया है 10, बहुत बढ़िया बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, 10 आंसर आ गया है। तो सबसे पहले EM हमने पैरेलल खींचा अपनी तरफ से, ग्रीन लाइन ड्रॉ कर ली, और आपको पता है ये एक होगा तो ये भी एक होगा, अपनी तरफ से लाइन ड्रॉ कर ली भाई इसके पैरेलल, और ये एक होगा तो ये भी एक होगा। अब अगले केस में मैंने क्या किया, कॉमन में ये दोनों एक एक दे रखे, तो इधर से स्टार्ट करो, इधर से एक तो अगला एक, इधर से फिर स्टार्ट करो, इधर से एक तो अगला भी एक, या इस बार दोनों बराबर हो गए, और इस बार दोनों बराबर हो गए तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अब तो। तो टोटल एसी अगर तीन है तो सीडी मेरा दो है, एसी तीन है तो सीडी दो है, ये तीन ना होकर कितना हो गया 15, कितने गुना पर बैठा है 5, तो दो के भी 5 गुना, तो टोटल कितना हो जाएगा 10, तो आंसर मेरा आ जाएगा 10। बोलो क्या बात अगर क्लियर हुई तो, बोलो क्लियर होगी सभी बच्चों को बात, इस तरह मैं कितने क्वेश्चन बना लूं। अच्छा यही क्वेश्चन एक थ्योरम होती है मास पॉइंट थ्योरम, लेकिन हकीकत बताऊं मास पॉइंट थ्योरम का अपने यहां कोई यूज नहीं है, सिखाऊंगा मैं भी
क्योंकि नहीं तो आपको लगा यार सर ये थ्योरम तो हमें सिखाई ही नहीं। और मैं आपको एक एक्चुअल बात बताऊं, अगर हम मास पॉइंट थ्योरम को ना भी सीखे ना तो भी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो भाई मास पॉइंट से होता है इससे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं है ऐसा। लेकिन वो मास पॉइंट सिखाने के बाद एक बच्चे को ये लगता है कि हां यार कंप्लीट सिखा दिया चीजें, मैं सिखाऊंगा आपको लेकिन ये चीजें मैं लास्ट में सिखा दूंगा, इनके भी मैं 5-5 7-10 क्वेश्चन करवा दूंगा कि देख लो भाई। लेकिन जो क्वेश्चन हम मास पॉइंट से कर सकते हैं वही सेम क्वेश्चन हम सिमिलरिटी से भी कर सकते हैं। मतलब माइंड में ये बात क्लियर करना, अभी हम लोग वो चीज पढ़ रहे हैं जो जरूरी है, जरूरी नहीं जो बहुत जरूरी है, जिसके बिना पेपर में काम चल ही नहीं सकता। बाद में हम उसको कंप्लीशन के तहत पढ़ेंगे। कंप्लीशन मतलब ऐसे ऐसे 4-5 थ्योरम्स हैं, एक मास पॉइंट थ्योरम है, अपोलिनियस का प्रूफ है, इस तरीके की 4-5 चीजें हैं, तो एक स्टीवर्ट थ्योरम है। तो ये 4-5 चीजें कोई ज्यादा यूज में नहीं है, लेकिन मैं आपको करवा दूंगा कि आपके पास नोट्स में रहेगा। चले भाई आगे, चलो जी ये लो क्वेश्चन आपके सामने है, करके आपको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है, करके आपको बताना है। देखो डी ई पैरेलल हो गया बी सी के, ठीक है जी। ई सी ई सी पैरेलल हो गया है डी एन के, ठीक है जी। ए ई बाई ई बी अगर 4-5 है तो ई एन बाई ई बी बताना है, ई एन बाई ई बी। देखो मैं तो ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, कभी कोई सोचिए 90 डिग्री है, ये 90 नहीं है क्योंकि उसने कौन सा यार 90 बना के थोड़ी देर रखा है ऐसे, जब ये 90 बना के दे नहीं रखा तो ये 90 नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। कभी कोई बच्चा सोचे मैं थोड़ा सा समझाने के लिए फिगर को थोड़ा टेढ़ा होकर देता हूं, किसी बच्चे के मन में थोड़ा सा भी ना चला जाए, ये लो जी अब तो ये 90 नहीं दिखाई दे रहा आपको। और ये लो जी मैंने ये फिगर यहां से बना दिया, ए सी बी ये डी और ई। अब मैं और कुछ नहीं बना रहा, इसके बाद बनाऊंगा सारी चीजें। अब गौर करके ध्यान से सुनना, इसने स्पष्ट बोला है डी ई पैरेलल है बी सी के। देखो 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 डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई बी सी के समानांतर है, डी ई बी सी के समानांतर है। बोलो भाई, तो मैंने बोला ए ई अगर 4 होगा तो ये 5 होगा, बोलो यही बात इसने बोली है। ए ई और ई बी 4-5 है क्या, यही बात इसने बोली है, ए ई और ई बी 4-5 है, बात मानते हैं आप यहां तक आंसर। कॉमन वर्टेक्स ले लो, तो इसका मतलब अगर ये भी 4 होगा तो ये भी 5 होगा। बोलो यहां तक की बात सहमत है, ऐसे करो, यहां तक की बात सहमत है तो आप ऐसे कर दीजिए। बिल्कुल सर, हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब गौर करके, अरे यार एक मिनट रुकना, अरे यार ये तो मेरा तो स्क्रीन गार्ड टूट गया, फिर भी एक मिनट रुकिएगा यार, मैं नहीं सुबह सुबह फोन में से गिर गया स्क्रीन गार्ड गया, इस बच्चे का मैं फोन उठा लेता हूं, बहुत परेशान हो रखा है। हां गुड मॉर्निंग भाई, आज हो जाएगा, आज दोपहर 3 बजे के बाद, ठीक। ओहो एक मिनट और रुकिएगा यार, हेलो बोलो बोलो बेटा, आज 3 बजे बाद, आज 3 बजे बाद। हाँ देखो अब अगर ये 4-5 है तो ये भी 4-5 का पहला गेम क्लियर, तो यार फोन आते ही रहेंगे। अब देखो दूसरा गेम, अब दूसरी चीज देखना, मैंने क्या किया, एक लाइन ये सी ई खींच दी और एक लाइन ये मैंने डी एन खींच दी, ये दोनों भी मुझे पैरेलल दे रखे हैं, ये दोनों भी मुझे पैरेलल दे रखे हैं। यहां मैं एन पॉइंट लिख लेता हूं और एक बारी के लिए मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए, मैं इसको हटा देता हूं और मैं एक बार के लिए 4 भी हटा देता हूं, अभी हमने किया तो हमें याद तो है, मैं तो एक बार के लिए ये भी हटा देता हूं, ठीक है। एक बार के लिए मैं ये भी हटा देता हूं, कभी सिर्फ इस ट्रायंगल में देखो ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई, और अगर ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हो गई तो मुझे एक बात बताओ, कॉमन वर्टेक्स उठाओ 4 तो कॉमन वर्टेक्स के इधर वाली भी 4, पीछे वाली लाइन 5 तो ये पीछे वाली भी 5। बोलो दोस्त, बोलो बात सहमत है क्या, हां ना बता दो बता दो, ये चीज क्लियर हुई। अब अगर ये चीज क्लियर हो गई तो अब मैं दोबारा से उस लाइन को वापस बना देता हूं, मैं इस लाइन को एक बार वापस बना देता हूँ भाई, कोई दिक्कत ना, ये चीज ये लीजिए, ठीक है। यही तो चीज थी, अब आपको पता है कि ये वाला भी अगर 4 था तो ये वाला 5 था, यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब मैंने एक बात और देखनी है कि ये अगर मैं इसको ऐसा मान लेता हूँ, ये 40-50 है, रेशियो तो 4-5 है ना लेंथ, आप मानने को मान सकते हो, नहीं मानोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन आप मान लोगे तो ज्यादा फायदा है। ये 40-50 है, अब इसने मुझे बोला है ई एन बताओ, तो ई एन 40 का कौन सा हिस्सा है, 5वां हिस्सा है टोटल कितने में से, 9 में से, 5/9 और इनटू में 40 और रेशियो ई बी, और ई बी कितना है, ई बी मेरे भाई 50 है, ये भी मेरे भाई 50 है, और 5 से 5 कट गया तो रेशियो मेरा आ जाएगा 4:9, रेशियो मेरा आ जाएगा 4:9। ई एन अगर 4 होगा तो ई बी मेरा 9 होगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी, ये पुराने क्वेश्चन ही हैं, बस ये इस क्वेश्चन के अंदर मैं अपनी तरफ से रोकना पड़ रहा था, और इस क्वेश्चन के अंदर मैं अपनी तरफ से रोकना पड़ा, यहां पर 2 ट्रायंगल ले ली, एक बार मैं लिख देता हूं, यहां पर एक बार मैंने ट्रायंगल ले ली ए डी ई और सिमिलर बना दिया ए सी बी के, अगली बार मैंने ट्रायंगल ले लिया ए डी एन, सिमिलर कर दिया है ट्रायंगल ए सी ई के, ए डी एन और ए सी ई के, ए डी ई और ए सी बी के, क्लियर हो गई सभी बच्चों को बात। चलो जी अब यहाँ पे आ जाइए सभी बच्चे, हाँ बोलो भैया, 27 तारीख से ऑफिस, 29 से क्लासेस, अभी सिर्फ गोपालपुर बस सीरियस मैनेजमेंट से बात करो भाई, अभी सिर्फ गोपालपुर बट उनका नंबर से बात नहीं हो पाएगी क्योंकि अभी हम लोगों से कोई कॉन्टेक्ट में है नहीं, तो अभी हम लोग गोपालपुर और जगतपुरा जो हमारी अपनी ब्रांचेस थी उनको हम लोग ओपन करेंगे 29 तारीख से, 27 से ऑफिस। बेटा एक बार उनसे बात तो करो, वही तो कराई होगी ना फीस जमा, वही तो एक बार कोई और नंबर होगा जो भी आप उन लोगों से कॉन्टेक्ट करो बेटा। AB पैरेलल EF पैरेलल DC के, EG 5 है, EG 5 है, अब इसने मुझे बोला है DC, DC 18 है, AB 15 है, GC 10 है, तो आपको बताना है AC कितना होगा, ये बताना है। देखो जब भी कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी ना हो तो सिंपल सी एक बात समझ लेना सिमिलरिटी है, पहला आप देखते चले जाना बस ट्रायंगल EFG देख लो बस, EGF और ट्रायंगल DCG देखते हैं। देखो जी कॉमन ये एंगल और ये एंगल, G और G दोनों जगह कर दो, यहां भी मैंने G कर दिया और यहां भी मैंने G कर दिया, तो इधर भी मेरा जी है और इधर भी मेरा जी है, पहली चीज ये कौन और ये कौन अल्टरनेट एंगल, इधर अगर एफ है, इधर अगर एफ है तो उधर डी होगा, उधर डी होगा, इधर ई है तो उधर सी होगा, ये दोनों सिमिलर हो गए,
दोनों सिमिलर हो गई, दोनों सिमिलर हो गई। अब मैंने यहां से देखा EGF और CGD, CGD ठीक है। तो अब अगर मैं देखता हूं EGF और CGD, मैंने देखा कि ये दोनों सिमिलर हो गई, तो EG बाई CG और EF बाई CD, CD। तो आपको पता है EG अगर 5 होगा, EG 5 है, तो CG इसने 10 दे रखा है, तो EF मैं निकाल लेता हूं और CD इसने 18 दे रखा है। तो आपको पता है कि 10 का आधा 5 है, तो 18 का आधा 9 है। बोलो जी, यहां तक चीज क्लियर होगी, ये 9 है। अब अगर मैं दूसरे ट्रायंगल लेता हूं, एक ट्रायंगल क्योंकि एक तो क्या, एक तो चीज EF और CD से निकाल दी भाई, ये दो ही तो पैरेलल थी और पैरेलल थी, तो EF भी लिया और CD भी लिया। अब इन दोनों से निकालो, AB और EF से, अब इन दोनों से निकालो। तो मैं ऐसा कहता हूं एंगल C कॉमन है और एंगल CB कॉमन है, ये एंगल F है और ये एंगल B है, CBA और CFE, CBA और CFE, बोलो बात क्लियर होगी। तो अगर मैं यहां से देखता हूं CB, नहीं BA को लेता हूं मैं, BA, BA मेरे को दे रखा है ना, इन दोनों को लेता हूं मैं। मैंने लिया AB, आखिरी वाले दोनों को उधर से भी EF, ठीक है जी। एक मुझे निकालने वाली चीज लेनी है AC, पहला तीसरा AC, इधर से CE। तो अब मेरी बात को ध्यान से सीखना, AB कितना दे रखा है, AB दे रखा है 15, EF, EF कितना हो गया, बोलो EF हो गया है 9, EF 9, AC, AC कितना है, AC, AC, AC मुझे निकालना ही है। और यहां से CE, CE कितना है, CE ये 5 था ही और ये 10 था, तो 10 और 5 15 है, यहां तक भी क्लियर है। तो AC इज इक्वल टू 15 गुना 15 225 और 225 बटा 9, तो टोटल हो जाएगा 25, 225 बटा 9 तो टोटल हो जाएगा 25। बोलो जी, सिंपल, जब भी कोई डायरेक्ट प्रॉपर्टी आपके दिमाग में ना बने तो वहां सिमिलरिटी है। हम लोग हर चीज को बहुत धीरे 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 से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बात आपको पता लग जाए, ये सिमिलरिटी का गेम है, सारे का सारा कंप्लीट सिमिलरिटी है। बात समझ में आ गई, चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। ये ट्रायंगल ABCD रखा है, ये 123 है, 123 है तो 7, 130 और 50, तो इसका मतलब ये हो गया जी 57, ये हो गया जी 57। अगर ये 57 दे रखा है तो इसने बोला है कि ये एक एंगल और ये एंगल बराबर हो गया, और इसका मतलब जो ये एंगल होगा, क्योंकि ये जो 57 है, अब ये भी कितना होगा, ये भी उसी हिसाब से होगा, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि एंगल ए तो दोनों जगह, इधर से अगर ई हो गया तो इधर से बी हो जाएगा, ए ई डी, ए ई डी और ए बी सी, और ए बी सी और दोनों के दोनों सिमिलर हो गए, ए ई डी और ए बी सी दोनों के दोनों सिमिलर हो गए। AED और ABC सिमिलर, पता चलेगा कि ये कौन इसके बराबर हो गया, ये दूसरा एंगल, ये कॉमन हो गया, एंगल ए कॉमन, ये 57 तो ये 57, तो इसका मतलब मुझे ये कहानी समझ में आ गई कि तीसरा कोण तो अपने ऑटोमेटिक बराबर होगा, और ऑटोमेटिक बराबर होगा तो ये कहानी आ जाएगी इस तरीके से। तो अब मुझे ये कहानी समझ में आई है कि लिख दो जी AD, यहां से मैं लिख लेता हूं AE, मैं हर चीज को लिख लेके इसलिए बता रहा हूं कि कोई चीज कंफ्यूजन में रही ना जाए बिल्कुल भी। AE पहले दोनों, तो इधर से भी पहले दोनों, AD आखिरी दोनों, तो इधर से भी आखिरी दोनों, BC, AD अपॉन AC, AD बाई AC। सर वापस समझाओ भाई, एंगल 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 की प्रॉपर्टी है, ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे एक बात बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ सर ये स्ट्रेट लाइन, आपको तो कर दिखाई दे रहा, स्ट्रेट लाइन पे 123 है, टोटल 180 होता है, 57 नहीं हो जाएगा, 57 टोटल 180 कर रहा है। अगर ये ऊपर वाला 57 है और ये वाला भी 57 है, अब ये वाला भी 57 है, ये वाला भी 57, अगर दोनों 57 57 हो गए, 57 57 हो गए दोनों के दोनों, अगर दोनों के दोनों 57 57 हो गए, तो मुझे एक बात बताओ यार, फिर एंगल ए इधर भी लिख लिया मैंने, बड़े एंगल में भी इधर एंगल ए 57 डिग्री लिख लिया, दूसरे का 57 लिखो ना, इधर 57 लिख लिया, इधर भी दूसरे का 57 बी पर है, और जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो दो एंगल बराबर हो जाएंगे, तो तीसरा कोण फिक्स है, बराबर होना पड़ेगा। तो और जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो मतलब क्या बना, जब तीनों एंगल बराबर हो गए तो मतलब ये बना जी कि सिमिलर हो गए, और अगर सिमिलर हो जाएगा तो AE अपॉन AB, और ए पहले दोनों, इधर से भी पहले दोनों, फिर आखिरी दोनों, इधर से भी आखिरी दोनों, फिर इधर से पहला तीसरा फर्स्ट थर्ड, इधर से भी फर्स्ट थर्ड, सेम एंगल के सामने कोरस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण के सामने संगत कोण है, बात समझ में आ गई, हां सर समझ में आ गया, संगत कोण के सामने ए के बराबर ए है, ई के बराबर बी है जी, डी के बराबर सी है जी, संगत कोण के बराबर संगत कोण। तो अब मुझे ये कहानी यहां से समझ में आने लगी है कि क्या क्या दे रखा है, मुझे चाहिए ईसी है, ईसी चाहिए है, तो ईसी वाला तो लेना ही पड़ेगा, खत्म कहानी है। तो और एक दे रखा है ए बी 18 और ए ई 9, ये लो जी ये दोनों ले लिया, ए ई 9 दे रखा है, ए बी मैंने 18 दे रखा है, एडी मेरा 11 है, एडी मेरा 11 है, तो ईसी मुझे चाहिए, ईसी निकल जाएगा यहां से, बोलो 9 का दोगुना है तो 11 का दोगुना कितना हो जाएगा जी, 11 का दोगुना जी 22 हो जाएगा, और अगर ये 22 हो गया तो खुद सोचो एसी पूरा 22 है और जिसमें से एडी 9 है, अगर एसी 22 है तो मुझे ईसी निकालना है, तो ईसी कैसे बनेगा, ईसी बन जाएगा एसी माइनस एडी, तो एसी पूरा 22 दे रखा है और एडी कितना है, एडी दे रखा है 9,
तो 22 में से अगर 9 गया तो आ जाएगा 13, तो आंसर आ जाएगा 13। बोलो क्या बात, अगर समझ में आई तो सभी बच्चों को हां ना यस नो बोलते रहा करो, क्योंकि जैसे-जैसे आप बोलते चले जाएंगे ना तब जाके इंटरेस्ट बढ़ेगा, नहीं तो इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट बनाना पड़ता है। 17000 की सैलरी अच्छी लगती है सर? बहुत अच्छी लगती है। टेंशन से दूर रहना चाहते हैं? हां सर टेंशन से दूर रहना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सुबह उठते आपको ये टेंशन ही ना हो कि कहां जाना है? सुबह उठते ही एक मस्त सी गाड़ी में सवार होकर अपना इंस्पेक्टर की नौकरी करने, कम से कम इंस्पेक्टर की नौकरी करने जाना, हां सर जाना है। एक्साइज कस्टम प्रिवेंटिव इतने बड़े बड़े बंदर एयरपोर्ट पर नौकरी करने हां सर करनी, तो भाई पढ़ लो। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मली लाइफ जीना चाहते हैं, सारी उम्र ऑटो के अंदर बस के अंदर खाना चाहते हैं, तो फिर तो ठीक है, फिर तो जैसा चल रहा है वैसा चलो। नहीं सर मैं सारी उम्र ऐसा नहीं चाहता, जब मैं लोगों की फैसिलिटी देखता हूं तो मेरे अंदर बड़ा जज्बा जोश जुनून पैदा होता है। तो वो जोश जज्बे जुनून के पीछे की जो कहानी है ना यार, जो पीछे की जो मेहनत है वो ये है, अगर यहां हर किसी का ही मन करेगा तो हर बच्चा इंस्पेक्टर बन जाता ना, हर बच्चा इंस्पेक्टर नहीं बन पाता है, रीजन यही है। आप सोच के देखो लोगों की मेंटेलिटी देखो यार, देखो आपको एक कहते हैं कि मैं एक परिपूर्ण टीचर के नाते आपको बता रहा हूँ, मेरा ही मोटिव है, मोटिव क्या मतलब मेरा कर्तव्य भी है इस बात का कि मैं आपको मोटिवेट करता रखूँ, आपको लाइन से भटकने ना दूँ। रेलवे के अंदर कितना सारा हंगामा हुआ, कितने फॉर्म थे? 2.57 CR, देखना लोगों की मेंटेलिटी देखो आप। 2.57 करोड़, सर मैं ऐसा कहता हूँ छोड़ो 2.57 करोड़, मैं तो ये कहता हूँ यार ग्रेजुएशन भी इसका है, सारा मिलाकर 1 करोड़ तो है, छोड़ो जो ऊपर का 1.5 करोड़ तो, अरे सर क्या बात करें, 1 करोड़ तो, 1 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। अरे मैं कह रहा हूँ 1 करोड़ मान लो ना, छोड़ो यार। सीजीएल का फॉर्म डाला है अभी, अभी डाटा भी आ जाएगा बाहर। सीजीएल के फॉर्म डालने वाले मैक्सिमम लोग कितने होंगे? मेरे हिसाब से मैक्सिमम 25 लाख लोग होंगे, मैक्सिमम बता दी मैंने संख्या। अच्छा ये तो फॉर्म डालने वाले हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि चलो यार फॉर्म डाल दिया। सर इस पेपर में क्या है? सर इस पेपर में भी ग्रेजुएशन चाहिए, कोई 12th में तो नहीं है? नहीं सर ग्रेजुएशन चाहिए थी, और इस पेपर में सर इस पेपर में भी ग्रेजुएशन चाहिए। तो भैया इन लोगों ने ये फॉर्म डाला क्यों नहीं फिर, जब ये एलिजिबल है, ग्रेजुएट कर चुके हैं? हिम्मत ही नहीं बन रही लोगों की सोचने की, पैसा सबको अच्छा लगता है, हिम्मत ही नहीं, 75 लाख बाहर। अब 25 लाख ने हिम्मत तो जुटा ली कि यार इंस्पेक्टर की तैयारी करूंगा। अब 25 लाख में से पेपर देने कितने जाएंगे? मैक्सिमम 17 या 18 लाख बच्चे। चलो फिर भी अपन तो ये मानते हैं कि चलो 20 लाख मान लिया, ऐसा हुआ नहीं कभी। ये आपका एक्सपीरियंस बता रहा हूं, 32 लाख में से लोग 16 लाख के पेपर देने आते हैं, या तो 25 में से 20 है, 80% अटेंडेंस तो आज तक नहीं हुई, अटेंडेंस मुश्किल से जाती है 60%, 65%। अरे हम सब लोग हमारा वोट बना हुआ, वोट ही नहीं डालने जाते यार, तो ये तो पेपर है। चलो फिर भी अपने माना 80% अटेंडेंस, यानी 20 लाख बच्चों ने ये उम्मीद जताई कि भाई साहब या तो हमको एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं तो हमको जॉब मिलेगी। अब जैसे ही प्री क्रॉस हुआ, आपको सबको पता है कि सीजीएल प्री बहुत आसान आता है, बहुत ज्यादा आसान आता है। अभी मैं कितने बच्चों का मैसेज दिखा सकता हूं इस डाटा इंटरप्रेटर के अंदर, एक बच्चे का कल जो मेरे पास मैसेज 89.25 अभी तक जो मेरे पास आईएस भेजा गया है, हो सकता है, हो सकता है 100% इससे भी ज्यादा वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक जो मेरे पास भेजा गया है वो 89.25 वाला भेजा गया है। ठीक है अब मेरी बात को समझना, इन 20 लाख में से मेंस में बैठने वाले कितने लोग हैं सर? सर 20 लाख में से मेंस बैठने वाले लोग होंगे हमारे हिसाब से, आइडिया लगाते हैं सीटों के हिसाब से, 1.5 लाख बच्चा, इससे ऊपर नहीं जाना। 1.5 लाख बच्चा पहले झटके में, कहने का मतलब 25 लाख में से 5 लाख तो बाहर। अरे छोड़ो ना यार, क्यों 100 रुपये भी लगाया, 100 रुपये किस चीज का सर? ऑटो में जाएंगे आएंगे, क्यों 100 रुपये लगाया, समय खराब होगा, छोड़ो। इन 20 में से 18.5 लाख बाहर पेपर में बैठते ही, और प्री लेवल जिसको हम क्या बोलते हैं सर, ये तो बहुत आसान पेपर है, ये लोग बहुत आसान पेपर में बाहर हुए, और लोगों को सैलरी तो चाहिए, जो सबको चाहिए मेहनत। देखो अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। अब जो 1.5 लाख बच्चा, ये लड़ाई लड़ता है मेंस की, और मेंस की लड़ाई को एक दिन में तो नहीं लड़ी जाती है। अगर आपको ओलंपिक में जाना है तो कोई 1 महीना 2 महीने की तैयारी तो नहीं करनी, हमारे लिए तो ओलंपिक है। एक बार जिसका खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड आता है, सरकारी नौकरी मिल जाती है, उसको बहुत कुछ मिल जाता है, हमारे लिए यही तो गेम कर रहा है, ओलंपिक बार बार मौका देता है। तो ये मेंस वाला जो पैटर्न बना, अब इसमें से पास होने वाले लोग फिर वही हो जाएंगे लगभग 30,000 लोग, 30,000 में से फिर वही टायर 4 और सारा मिला मिलकर सीपीटी मिला मिलकर वही बच जाएंगे फिर 10,000 लोग इस बार, तो नहीं सारी 6-8,000 लोग भाई, दिखाने को तो 6.5 के करीब दिखाएंगे, लेकिन 1.5 हजार बढ़ जाएंगे, 8,000 लोगों के अंदर आना है। तो थोड़ी सी थॉट को बढ़ाना पड़ेगा कि जो हम सीख रहे हैं उसको बड़ा शांति से सीखना पड़ेगा, हमको बोर नहीं होना है, क्योंकि इसके पीछे बहुत चमकदार और बहुत ही आलीशान लाइफ बैठी हुई है। और अगर यही सबको ही अगर आसान आसान चीजें, अगर मुश्किल चीज, अगर ये चीज पढ़ाई बोर नहीं करती ना, तो हर इंसान पीछे करके बैठ जाता, किसी को बोर कर जाती है, किसी को मोटिवेट कर जाती है, तो अपने आपको सेल्फ मोटिवेट करते रहना। मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई की मैंने जो आपको एग्जांपल दिया होगा आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, बात तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये तो मैं बात बोलते किताबों में थोड़ी लिखी है यार, ये बातें हमारा अपना एक्सपीरियंस है, ये बातें किताबों में खाली याद तक पढ़ी है, कोई बात है किताबों के अंदर भाई। 2011 से मैं 11 वाला में, तो मैं 11 में तैयारी करना शुरू किया था, मतलब 2012 वाला मेंस दिया मैंने, 2013 वाला मेंस लिया मैंने, और 2014 वाला मेंस दिया, उस टाइम तो जल्दी पेपर हो गए, मैं एक साथ ही 3 पेपर लिया, आज के टाइम पर तो 3 पेपर दे नहीं सकता इंसान, क्यों? 3 पेपर देने के लिए उसको 6 साल चाहिए कम से कम, उसको, और मैंने 2011 एंड में लगा लो कि आप सितंबर अक्टूबर में, मतलब अक्टूबर के उसमें स्टार्ट किया, और 2012 का सितंबर मुझे अच्छे से याद है, पहला मेंस, आपको ऐसे डेट याद हो जाएंगे, जब आप 16 सितंबर का मेंस दिया था पहला, 16 सितंबर का उस दिन फिल्म आई थी लाल सलाम, मुझे अच्छे से याद है, मैं लाल सलाम देख के आया था पेपर देने के बाद, क्योंकि मैं तो ये होगा इंस्पेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर लाइफ जीना स्टार्ट करूंगा, जिंदगी की पहली फिल्म देखने गया था होल के अंदर, फर्स्ट फिल्म। अब 2012 डेट तक याद हो गई है, मेरा 2012 वाला जो पेपर था ना, वो पेपर था 8 जून का, मुझे बहुत अच्छे से सारी डेट्स भी याद है, आज भी याद है 8 साल पुरानी बात, क्योंकि ये दिन आपको सफलता मिली, जिस दिन आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से स्पेशल ह्यूमन बीइंग में आ गए थे, तो आपको भी ऐसा मिलेगा। 2014 के अंदर मेरा जो प्री का पेपर था 19 अप्रैल का पेपर था, मुझे अभी भी डेट याद है, आप अगर नेट पे सर्च करेंगे तो मैं अभी बता दूं 19 अप्रैल और 26 अप्रैल दो शिफ्ट हुई थी, और 19 अप्रैल का मेरा पेपर था। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि आपको भी ये डेट्स ऐसे याद हो जाएंगी, बोर मत होना यार, बस उम्मीद है कि आप मेरी मोटिव को समझ लोगे, मेरा मोटिव क्या था इस बात के प्रति बताने का। चलो जी नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी में डी और ई, ए बी और ई सी पर दो बिंदु, ट्रायंगल एबीसी ए है, ए बी है, अब अगर मैं बात करता हूं डीई पैरेलल है बीसी की, डीई पैरेलल है बीसी की, तो अब ये कह रहा है कि डीई एबीसी को दो समान भागों में विभाजित करती है, डीई एबीसी को दो समान भागों में विभाजित करती है, डीई दो समान भागों में विभाजित करने का मतलब समझ में आया? अगर दो समान भागों में विभाजित करना है तो कहने का मतलब अगर इसकी इसका एरिया एक है तो इस पूरे का एरिया दो है, अगर ट्रायंगल ADE का एरिया एक है तो ट्रायंगल ABC का एरिया दो है, ये एरिया है, एरिया है तो ये साइड का रेशियो निकाल दो, एरिया से साइड का रेशियो निकालते तो स्क्वायर रूट निकाल दो, 1 का रूट 1 हो जाएगा,
और दो का रूट दो हो जाएगा। तो कहने का मतलब AD की ADE यानी ये तो ये वाली साइड है, अगर ये एक है तो ये कंप्लीट साइड कितनी हो जाएगी, रूट टू हो जाएगी, कंप्लीट साइड रूट टू हो जाएगी। ठीक है, तो मुझे एक बात समझाओ, ये रूट टू होगा, ये एक होगी, तो यानी ये वाला जो बनेगा ये बन जाएगा रूट टू माइनस वन, ये वाला रूट टू माइनस वन आ गया, क्योंकि रूट AD और BD तो कितना बन जाएगा, AD एक और BD आ जाएगा रूट टू माइनस वन। सर आप फिर एग्जाम क्यों दिए, एग्जाम मैंने इसलिए दिया मेरे दोस्त, आपको समझ आ गया भाई ये कहानी, चलो इस भाई को भी छोटी सी बात और बता देता हूं मैं। एग्जाम मैंने इसलिए दिया 2012 के अंदर, मैथ्स में मेरा स्कोर बहुत ज्यादा नहीं था, उस टाइम पेपर भी ठीक आया था, उस टाइम के हिसाब से मेरा स्कोर जहां तक है 141 या 144 कुछ ऐसा स्कोर था, मतलब 150 से ऊपर था, 140 से नीचे नहीं था। और 2014 के अंदर मेरा मैथ का स्कोर था 197.5, प्री में था 50/50, हाईएस्ट ऑफ ऑल ओवर इंडिया, तीन बच्चों के थे, थ्री स्टूडेंट्स के थे, उस वक्त अच्छी बात ये रही या बुरी बात लगा लो कुछ भी लगा सकते हैं, 200/200 किसी का नहीं आया, 197.5 था किसी का भी, हाईएस्ट मार्क्स 197.5 था। ठीक है, वो क्वेश्चन था इतना बहुत जबरदस्त कंफ्यूजिंग, मुझे मेट्रिक का क्वेश्चन गलत हुआ था मेरा भी। तो अब एक बात देखो, मैं यहाँ छोड़ देता, यहाँ मुझे बहुत ही मतलब केरल के अंदर मिली थी, मुझे एक बार मुझे गुजरात के अंदर एफसीआई मिली थी, और फिर मैंने जो लास्ट लिया था वो लिया था मैंने कस्टम मुंबई के अंदर, और फिर मैंने चीजों को कि अब हमें पता चल गया कि इस एग्जाम का होल्ड हमारे पास हो गया है, अब चीजों को छोड़ दीजिए। तो अब भी अब तो थोड़ा डिले ज्यादा हो गया ना, इस वजह से लोगों की मेंटेलिटी खत्म होती जा रही है, गलती नहीं है बच्चों की भी कि यार दो तीन बार एग्जाम दे, एक बार में इतना थका देते, पहले से थकान नहीं थी, हर एक साल को पेपर हो रहा था, हर साल में प्री भी हो जाता था, मेंस भी हर 6 महीने के दौरान तो प्री आ जाता था, मेंस भी मेंस से 5 महीने बाद अगले साल का प्री आ गया, और 5 महीने प्री की तैयारी में फिर लगते हैं, तो वहां का उस समय की कहानी अलग थी यार। चलो फिर अगला क्वेश्चन, अब छोड़ो उस बात को, तुम्हें क्रैक करना है, बस बात ये है, अब हमारे मेन मोटिव है आप क्रैक करो। त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी पर डी, भुजा बीसी पर स्थित एक बिंदु डी है, ठीक है, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, चलो जी ये ए ए बी ये सी ये डी, और एडी बीसी पर परपेंडिकुलर है, ADBC पर परपेंडिकुलर है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं E इज अ पॉइंट ऑन AD, E कोई एक बिंदु है, ये लो जी E पॉइंट यहां पर मैंने ले लिया, E एक बिंदु है, अगर AE 5 है तो ED 1 है, AE 5 है तो ED 1 है, BAD इसने बोला जी BAD कितना है 30 है, BAD कितना है 30 डिग्री, BAD 30 है, BAD 30 है, ठीक है, ये 90 हो गया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली 60 हो गया, क्या ऑटोमेटिकली 60 हो गया क्या, हाँ सर, तो क्या आपको हाइट एंड डिस्टेंस वाला रूल याद है, 30 के, मैं सिर्फ इस पैनल की बात कर रहा हूँ, बाकी सारी चीजें हटा, सिर्फ ये मैं ए ये डी और ये बी, तो क्या ये 30 हो गया, और ये 30 हो गया तो ये रूट 3 बनता है, ये एक बनता है और ये दो बनता है, याद है कि मैं पूरा लिख के बताऊं, बोलो भाई याद है, ठीक है। अब एक बात देखो, एडी का मान रूट 3 है, एडी का मान रूट 3 है, एडी का मान अगर रूट 3 है एडी का, और यहाँ एडी का मान कितना है 5 और 1 है 6, रूट 3 का मान 6 दे रखा है, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 6/√3 इनटू में √3/√3, रूट 3 3 तो 3 और 3 से कटेगा 2, तो ये आ जाएगा 2√3, ये आ जाएगा 2√3, बीडी आ गया है 2√3, ये वाला बीडी भाई साहब 2√3 है। अब अगर मैं इस लाइन को इससे ड्रॉ कर देता हूं, ये वाली लाइन दे रखी है ना, एक मिनट रुको यार, ये ज्यादा थोड़ी सी गलत खींच गई मेरे से, ये पेन को मोटा पतला करने के चक्कर में थोड़ी सी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है, मैं ऐसे करना चाह रहा था, अब मुझे ये कहानी समझ में आई, खुद देखो ये 90 है, ये वाला हिस्सा भी आपने यूज कर लिया, ये वाला हिस्सा भी आपने यूज कर लिया, अब इस वाले हिस्से की बात है, टेन ए सी बी, ए सी बी मैं यही लिख लेता हूं, मैं इसको हटा दूं, मैं इसको हटा देता हूं, ये तो है क्या, ये तो कुछ नहीं, तो आपको पता था वैसे ही, मैं इसको हटा देता हूं, तो उसने मुझे बोला टेन ए सी बी इज इक्वल टू 6 × 10 dBE, और 10 कितना होता है, 10 होता है परपेंडिकुलर कौन बेस, याद है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर और बेस होता है ये 10, क्या ये चीज याद है, तो परपेंडिकुलर कौन बेस, तो डीबीई कितना है, डीबीई के अंदर परपेंडिकुलर कितना है 1 और बेस कितना है 2√3, तो ये 6 × 1/√3, और 2√3 तो 2 से कटेगा 3 बार, और ये √3 और ये √3, तो 1√3 कटेगा, तो मेरा बन गया है 10 ACB इज इक्वल टू √3, और 10 ACB अगर √3 आ गया, 10 ACB अगर √3 आ गया है, तो √3 का मान कितना, 10 ACB √3 है, और √3 की तरफ कितना होता है, √3 10 में कितने के बराबर होता है, 60 के बराबर होता है, तो एंगल ACB इज इक्वल टू कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट को यूज किया गया है, और ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट को यूज कर लिया, तो सिंपल सी बात है, मैं एक बार और बता देता हूं, दोबारा देखना, मैं एक बार और बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देखना, ये मैंने ट्रायंगल ADB लिया, ADB, तो ADB के अंदर क्या होगा, 5 और 1 6, 6 का मान कितना दे रखा है, 6 है कंप्लीट, और 30 की साइड पे कितना होता है √3, तो आपको पता चल गया कि √3 का मान 6 है, तो 1 का मान 6/√3,
तो इनटू में रूट थ्री कर दो डिवाइडेड बाय रूट थ्री कर दो तो ये कहानी आ जाएगी टू रूट थ्री, तो नीचे वाला दो रूट तीन आ गया। अब ये एक है ये दो रूट तीन है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन बेस ही तो टेन होता है, परपेंडिकुलर कौन बेस ही तो टेन होता है, तो वन बाय टू रूट थ्री होगा, तो सारी कहानी यहाँ से आ जाएगी। बोलो क्लियर हो गया सभी बच्चों, चले आगे। चलो जी ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर, ये यहाँ छह कर लेना। देखो भाई दिए गए त्रिभुज के अंदर BC 12 है, ठीक है, DB 6 है, CD भी 6 है, तो CD 6 है, एंगल BCD, एंगल BCD ये वाला और एंगल BAC ये वाला कोण दोनों बराबर दे रखे हैं, ये वाला और ये वाला दोनों कोण बराबर दे रखे हैं, तो BCD और ADC का परिमाप, BCD और ADC का परिमाप क्या होगा बताओ। शाबाश, एक मिनट लगाइए, मैं इस बच्चे का कॉल उठा लेता हूं, बड़ी देर से कॉल कर रहा। हां बोलो भाई, बोलो जल्दी बोलो बेटा। नमस्कार, तीन बजे के बाद चल जाएगा यार, तीन बजे बाद चल जाएगा। मुझे लगता है जो वीडियो मैंने नहीं दिया ना, सिर्फ सबको वही पढ़ने थे, बाकी के सो वीडियो कोई नहीं पढ़ रहा। जैसे मैं बाकी भी दे दूंगा फिर आप बोलोगे सर ऐसे, आज चल जाएगा, आज से आप तक दे देंगे 100% दे देंगे, ठीक है। हुआ क्या ना यार कि एनटीपीसी को लेकर हम लोगों ने बैच शुरू किया था, कुछ पुराने बच्चे थे जिनकी ऑलरेडी फीस सबमिट थी, अब जिस बच्चे की फीस सबमिट थी लॉकडाउन लग गया, उसमें कोई बच्चे की गलती तो थी नहीं, गलती तो हमारी भी नहीं थी, लेकिन हम लोगों ने फिर ये किया कि यार बच्चों को बच्चे परेशान ना हो, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी तरफ से कि बच्चों को कुछ कोर्सेज फ्री प्रोवाइड करवा दिए, कुछ जो नए बच्चे उनको पेड कोर्स दिया, कुल मिला मिलकर मैंने सारी चीजें कर दी। अब वो एक ऐप के अंदर आ गई दिक्कत, अब लगभग लगभग वो 200 वीडियो थी, करीबन 60 हाँ करीबन 200 वीडियो है। अब 200 में से लगभग मुझे लगता है कि मैंने 130 वीडियो डाल दी, 130 नहीं तो 120 लगा, 120 वीडियो मैंने दे दी, और पिछले 12 दिन से ऐप हो गया बंद, तो मुझे लगा भाई 120 वीडियो तब तक पढ़ लो, तब तक नया ऐप हमारा बन गया, ऐप बन के रेडी है। मैं अगर आप बच्चों को दिखाऊं एक बार और, ऐप बन के बिल्कुल रेडी है, कहीं पर भी कोई इश्यू नहीं है इसके अंदर, एक मिनट देखना, ये मेरा ऐप बनके बिल्कुल तैयार है, हो सकता है आपको अभी स्क्रीन पे पूरा दिखाई ना दे, ये ऐप बनके पूरा तैयार है, कोर्सेज वगैरह और पेपर्स वगैरह लाइव क्लासेस कंप्लीट ऐप बनके रेडी है, तो मुझे मैंने बोला कि भाई तब तक आप ये पढ़ लो यार, तो उसके बाद आप पढ़ लेना, वैसे वीडियो भी मैं आपको दिला देता हूं, पूरा कोर्स एक बार फिर से अपलोड कर देंगे, और जितनी वैलिडिटी है वैलिडिटी से आपका 20 दिन बढ़ा के दे देंगे, दोबारा आराम से पढ़ते चले जाना। लेकिन अब सभी बच्चे परेशान हो गए हैं कि अरे सर वो दे दो, वही 80 पढ़ने थे, अरे भैया ये 120 नहीं पढ़ने थे क्या, अगर मैं वैसे ही दे देता तो तुम 120 मांगते, फिर भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, इस वजह से मैं बीच बीच में कॉल उठा लेता हूं यार। चलो मुझे हम लोग मेरे से किसी बच्चे की परेशानी नहीं देखा, लेकिन मैं भी आप लोगों के परिवार की तरह से ही, हम लोग का परिवार है बहुत ही नॉर्मल लेवल पर हम लोग रहते हैं, धीरे 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 मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं भी चाहता हूं कि आप लोग बीच तरीके के जुड़ के साथ आगे बढ़े, तो परेशान से कोई बच्चा होता है तो मुझे खुद के दिन याद आ जाते हैं, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। अच्छा देखो, क्या किसी बच्चे का आंसर आया, क्या किसी बच्चे का आंसर आया भाई, कोई बच्चा आंसर क्यों नहीं दे पा रहा है, आंसर में तो मुझे लगता है यार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। देखो अगर मैं यहां से देखता हूं इस एंगल के अंदर, ये एंगल मुझे बराबर दे रखा है, इसके सामने ये कौन और इसके सामने ये कौन, तो ये एंगल भी बराबर हो गया, ये दोनों छह हो गए, तो इसके सामने ये कौन और इसके सामने ये, मुझे लगता है कि छह नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये छह की बजाय मुझे लगता है ये नौ ही मिलेगा। एक बार के लिए इस चीज को हटा देते हैं, क्योंकि फिर तो ये कहानी अलग हो जाएगी, दोनों छह हो गए तो ये कुछ ना कुछ मिस प्रिंटिंग है इस क्वेश्चन के अंदर। आप इसमें आ जाओ, क्वेश्चन अपने पास खूब है, एक क्वेश्चन अगर मिस प्रिंटिंग वाला है तो उसको मैं लास्ट क्लास के अंदर सारे क्वेश्चन मुझे करवाने की, इस क्वेश्चन के अंदर आ जाओ, और थोड़ा स्पीडली करते हैं। पी क्यू और क्यू एस बराबर है, अगर ये थीटा है तो इसके सामने ये भी जो एंगल रहा होगा थीटा आ जाएगा। क्यू आर और आर एस बराबर है, क्यू आर आर एस बराबर है इसके सामने, अब मुझे पता है ये थीटा तीसरा एंगल, तीसरा एंगल का बाय कोण, ये तीसरे कोण का बाय कोण कितना हो जाएगा, दो थीटा, तो इसके सामने अगर ये दो थीटा है तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा, ये दो थीटा हो जाएगा, ये दो थीटा है तो ये भी दो थीटा हो जाएगा, ये टू थीटा तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, थ्री थीटा और प्लस में थीटा, चार थीटा। एस आर क्यू ये 100 दे रखा है जी, ये 100 दे रखा है, ये 100 होगा, इन दोनों कोणों का मान 80 बच गया, 180 होता है, तो ये चार दो और एक तीन थीटा प्लस थीटा चार थीटा, और चार थीटा अगर 80 के बराबर है, चार थीटा अगर 80 के बराबर है तो थीटा इक्वल टू कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर, आंसर मेरा आ जाएगा थीटा इक्वल टू 20। चलो जी, अब छोटे छोटे क्वेश्चन, क्योंकि हम तो बैक साइड से लेके आ रहे हैं ना, तो बैक साइड में बड़े क्वेश्चन थे, अब यहां छोटे क्वेश्चन। ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ का क्षेत्रफल दे रखे हैं 144 और 81 एरिया का रेशियो है, दो खुद ही दे रखा है, समरूप ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनाने की क्या जरूरत है, जब उसने दे दिया तो समरूप त्रिभुज खुद ही दे रखा है, अगर ट्रायंगल ही समरूप हो गए, ये एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो है तो ये साइड का रेशियो, तो ये 12 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब एबीसी 36 दे रखा है, ये 36 दे रखा है, कितने गुना पर बैठा, 3 गुना पर बैठा, तो इसका भी 3 गुना, तो 9 गुना 3 टोटल कितना हो जाएगा, 27। चलो जी अगला क्वेश्चन, अब तो पीछे क्वेश्चन छोटे होते चले जाएंगे ना, बताइए शाबाश, इसमें बोला कि एबी इक्वल टू 4 है, एडी 3 है, सीडी 4.2 है, और सीडी 4.8 है, और सीए और सीबी का मान आपको बताना है। ये समरूप दे रखे हैं, ए देखो खुद ही दे रखा है, सिमिलर है, संगत है, ए ई के बराबर है, बी डी के बराबर है, सी सी के बराबर है, ठीक है जी, तो आपको पता है ए बी बाई ई डी, यहां से आपको पता है, पहले दोनों ले लो, उधर से ई डी ले लो, बी सी बाई डी सी, बी सी
बाई डीसी और एसी बाई ईसी, ठीक है, एसी बाई ईसी। तो अब मुझे पता है कि ईबी अगर चार है तो डीई तीन है, एबी अगर चार है तो डीई तीन है, मुझे पता है सीडी, सीडी अगर 4.8 है तो बीसी निकालना, बीसी निकालना है ना, ये राजी बीसी निकालना है। देखो 1.6 गुना या तो 3 से 4 कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, अब ऐसा करो ये 3 है तो ये 4 है, 3 है तो 4 है, नहीं तो कर दो, देखो 3 का 16 48 1.6 गुना, इसका भी 1.6 गुना, और 1 16 4 64 64 में आ जाएगा 6.4, ये आ जाएगा 6.4। और अगर दूसरे केस में मैं देखता हूं ईसी 4.2 है, अगर ये 4 3 है तो ईसी 3 से 4.2 हमें 14 दिया 42 तो 1.4 गुना, और ये अगर 1.4 गुना तो इसका भी 1.4 गुना कितना बनेगा 5.6। बोलो जी बात समझ में आ गई, नॉर्मल सिमिलरिटी के क्वेश्चन है ये फटाफट, अब पीछे की तरफ आते गए तो क्वेश्चन छोटे होते चले गए। आकृति में एक्स वाई पैरेलल है एसी और एक्स वाई एक त्रिभुज एबीसी को दो समान भागों में बांटते हो, एक्स वाई एबी का मान ज्ञात करें क्या होगा, बोलो। आकृति में एक्स वाई पैरेलल है एसी की, थोड़ा सा फिगर बनाऊंगा लेकिन एक्स वाई पैरेलल है ये, और दो समान भागों में बांटते, समान भागों का मतलब कितना है, ये अगर एक होगा तो ये भी एक होगा, तो कहने का मतलब एरिया ये एक पूरा एरिया दो, तो ए एक्स यानी छोटे वाले ट्रायंगल की भुजा अगर एक होगी तो बड़े वाले की रूट टू होगी, तो ये बन जाएगा रूट टू माइनस वन, छोटे वाले की एक होगी तो बड़े वाले की एरिया दो, छोटे वाले का एरिया एक तो बड़े वाले का एरिया दो, तो छोटे वाले की भुजा एक तो बड़े वाले की भुजा दो, तो कहने का मतलब कॉमन वर्ड एक्स बी एक्स अगर एक होगा तो ए एक्स हो जाएगा रूट टू माइनस वन, तो ए एक्स रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट टू, रूट टू माइनस वन डिवाइडेड बाई रूट टू। बोलो बात क्लियर हुई क्या, समझ में आई सभी बच्चों को, छोटे 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 क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है ये, लो जी एडी डी ई पैरेलल, पैरेलल है तो सिमिलरिटी खत्म कहानी, पैरेलल है तो सिमिलरिटी है खत्म कहानी, तो यहां से अगर ये पैरेलल है तो सिमिलरिटी है, एडी बाई डीबी रखा है 5 4 5 और ये 4 है, तो एरिया ऑफ डीईएफ डीईएफ, ठीक है जी, तो पता है इसका मतलब क्या है, सीएफबी सीएफबी, ठीक है मैं इसका मतलब आपको समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ, चलो मैं लिख के पूरा कंप्लीट अच्छे से बता देता हूं, जब ये पैरेलल हो गया तो सिमिलर हो गया, बोला हां सर, और अगर ये सिमिलर हो गया, अगर ये सिमिलर हो गया तो इसका मतलब हो गया कि ट्रायंगल एडीई सिमिलर हो गया है ट्रायंगल बी ए, बी नहीं ए, ट्रायंगल ए बी सी, एक मिनट रुकना यार, एक मिनट रुकना ये बच्चे, बेटा ऐप तो चलेगी 4 बजे 5 बजे के बाद, और कोई क्वेश्चन तो बताओ, ऑफलाइन या ऑनलाइन, 29 जनवरी, बेटा आप मुझे 12 बजे बाद कॉल कर लो, मैं सारी बात बताऊंगा, मैं क्लास में हूं। ट्रायंगल एडी और एबीसी बराबर है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एडी अपॉन एबी का जो रेशियो होगा वो डीई और बीसी का भी रेशियो होगा, और वही रेशियो एई और एसी का होगा, सेम रेशियो एई और एसी का होगा, क्लियर होगी मेरी बात। तो अब मैंने ये चीज को समझा यहां से क्या, कि अगर एडी और डीबी, अगर एडी अगर 5 है तो एबी मेरा 9 हो जाएगा, तो डीई भी अगर मेरा 5 होगा, मैंने ये रख लिया यहां पर, एडी 5 है डीबी 4 दे रखा था ये 9 हो गया, तो डीई अगर मेरा 5 है तो मेरा बीसी 9 हो जाएगा, और जब साइड का रेशियो आ गया मेरे को, जब ये दोनों साइड का रेशियो आ गया, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या ट्रायंगल डीईएफ सिमिलर होगा ट्रायंगल डी वाला कोण सी के, डी सीएफबी के, सीबीएफ के, सीबीएफ के, बोलो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, क्या ये? तो अब मैंने यहां से देखा कि ये दोनों सिमिलर हो गए, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई दो ट्रायंगल बने ना, जैसे एक ये कोण ये बन गया दो पैरेलल लाइन के बीच में, और एक ये कोण ये एंगल बन गया, तो ये दोनों सिमिलर होंगे 100%। कैसे, देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो समझो पैरेलल है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ये भी अल्टरनेट एंगल, और दो कोण बराबर हो गए, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो जब तीनों एंगल एंगल बराबर हो गए तो सिमिलरिटी बन जाएगी, तो दो पैरेलल लाइन के बीच बने, ये लो ऐसे काटा लगा एक्स एक्स है ना, ये एक्स 10 नहीं लिखते रोमन में अंदर 10x, तो ये 10 10 ही तो लिखा है एक्स, ऐसे तो लिखते हैं वहां पर, ये वो थोड़ा दबा लगा देते हैं, ये 10 ही तो लिखा है, तो जब भी कभी ऐसा होता है तो हमेशा क्या होता है, जब भी कभी ऐसा होता है तो हमेशा दोनों लाइंस मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल की साइड का रेशियो होगा तो एरिया का रेशियो कितना पड़ेगा, अगर 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, तो 25 रेशियो 81। अब देखो इतनी सारी राम कहानी पेपर में तो नहीं कर सकते, और अगर अपन चाहते हैं कि पेपर में इतनी सारी राम कहानी को ना करें तो बस ये लाइन याद रखो अब कि दो सिमिलर लाइन के बीच जब ये काटा बनता है काटा पीटी, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, बोलो हां सर, और अगर ये दोनों सिमिलर हो गए तो इसका मतलब इसकी साइड 5 है, इसकी 9 है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, सीधा ही लिख सकते थे, ये सारी राम कहानी की जरूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी समझाना था तो मैंने समझा दिया, ये बोलो जी। अब ये एंगल एक्स दे रखा है तो एंगल एक्स दे रखा है, तो मुझे कहानी पता चल गई, एंगल ए इधर से ले लेता हूं, एंगल ए इधर से ले लेता हूं, एंगल डी यहां से ले लेता हूं, एंगल सी यहां से ले लेता हूं, ए डी ई और ए सी बी, ए डी ई और ए सी बी दोनों के दोनों सिमिलर, ADE और ACB दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए, बोलो, क्योंकि एक कोण बराबर AA के बराबर कोरस्पोंडिंग एंगल, देखो पहला पहले के दूसरा दूसरे के, DC के बराबर खुद ही दे रखा है, अब जब दो एंगल बराबर हो जाएंगे तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया, जब दो एंगल ही बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिकली बराबर हो गया,
तो यहां से मुझे ये कहानी समझ में आने लगी कि अब देखो एडी, मुझे बीडी की लंबाई चाहिए ना, ठीक है जी, एडी डिवाइडेड बाई एसी, एई डिवाइडेड बाई एबी, तो एडी कितना है 6, एसी कितना है 13, एई कितना है एई, और एबी बीडी तो एबी पे तो आएगा बीडी, तो यहाँ ए बी रखो, 3 से जाएगा 2 बार, 3 से जाएगा 3 बार, 39 बटा 2, तो एबी इज इक्वल टू आ जाएगा 39/2, 39/2 का मतलब हो गया है 19 × 38 = 19, ये अगर 19.5 हो गया, ए बी अगर 19.5 हो गया और 19.5 में से एडी हटा दो, 6 हटा दो, 19 में से 6 गया तो 13, तो इसका मतलब 13.5, तो बीडी कितना बन जाएगा 19.5 - 6, ये बन जाएगा 13.5, बोलो जी, और ये आंसर आ जाएगा जी 13.5। क्या अगर बात समझ में आ गई है तो हाँ ना यस ना बोल दो, कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गई है बात सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताओ, ये तो रिपीट हो गया, 81 है और 144 है, 81 144, तो ये 9 और ये 12, ये 27, तो ये 36। नेक्स्ट पहले सिमिलर दे रखा है, तो ए बी डिवाइड पहले दोनों, तो इधर से पहले दोनों डी ई, इधर से बी सी, तो इधर से ई एफ, इधर से ए सी, इधर से डी एफ, तो ए बी 4 है, डी ई 6 है, ई एफ, वैसे मैं EF, अच्छा दो सिमिलर है ना, EF अगर 9 है और FD 12 है तो ABC का, तो 8 और 14 4 18, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा 18 आ जाएगा, क्लियर हो गया। अगर ये डेढ़ गुना है 1.5 गुना, तो शुरुआत मैंने यहां से भी 1.5 गुना की कर दी, और यहां से अगर मेरा 2 गुना है तो इधर से भी मेरा 2 गुना आ जाएगा, ए सी बी और सी डी ए इन दोनों का मान बराबर है, ठीक है जी, तो बी डी याद करना है क्या होगा, ए दोनों जगह कॉमन, ये सी है ये डी है, ए सी और ये बी आ गया, और ये ए डी और ये सी आ गया, देखो दोनों सिमिलर हो गए क्या, देखो मैंने क्या क्या लिखा है, ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ठीक है, और ए डी सी, ए डी सी, अब अगर मैं यहां से करता हूं ए सी बी और ए डी सी, तो अब यहां से अगर आप देखेंगे ये शुरुआत वाला AC by AD is equal to AB और AD कितना है 3, AB अगर मैं निकाल लूंगा तो बात मेरी बन जाएगी, और AC AC कितना है 8, तो AB is equal to 64/3, 64/3 है AB, अगर 64/3 में से अगर मैं 3 घटा देता हूं तो BD बच जाएगा 3 × 9, 9 घटा दो तो 9 घटा दो तो 55, बोलो बात समझ में आ गई सभी बच्चों को, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया, ये लो जी फटाफट आंसर लीजिए, तीन होगा तो ये एक होगा, और बीसी को 3 होगा तो ये 2 होगा, तो BEF और ABC के क्षेत्रफल का रेशियो, ये पैरेलल तो नहीं है, इसका मतलब अगर रेशियो अलग-अलग हो गया तो ये दोनों लाइन पैरेलल तो नहीं है, ये दोनों लाइन अगर पैरेलल, एक मिनट रुकना यार, हाँ हाँ बोलो भाई, अरब जी बात बोल कर लेना भाई, जयपुर में अगर जो बच्चे आप में से जयपुर में बोलूंगा, तो हमारे यहाँ सबसे पहला फोन ये होता है कि एक बैच में कम से कम कितने स्टूडेंट होंगे, तो इसका मीनिंग मैं क्या समझूं, मैं इसका मीनिंग क्या समझूं हमेशा मैं अगर 5 को उठाता हूं तो 5 में से ये लगा लो कि 5 में से 4 बच्चे तो जरूर ये पूछते हैं कितने बच्चे होंगे बैच में, बाकी सबको जो पुराने बच्चों को पता है कि हमारे यहाँ पर जो अपना होल है, जिन्होंने ऑफलाइन मेरे से पढ़ रखा है उनको पता है कि हमारा होली 1200 बच्चों का है, तो उसको भर के चलाते हैं हम लोग, तो और अच्छी बात भी है कि मतलब ज्यादा बच्चे रहते हैं तो जिम्मेदारी ज्यादा रहती है, तो अच्छा लगता है, तो लेकिन वो बच्चा पूछता क्यों है, क्या आपको ऐसा लगता है कि कम बच्चों में ज्यादा समझ में आता है, कि अगर बैच में 100 बच्चे हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा और बैच में अगर 800 बच्चे हैं तो हमें थोड़ा कम समझ में आएगा, जो बच्चों में ज्यादा समझ में आता है 800 में, लेकिन आपने एक बात फील की एडमिशन लेना चाहते होंगे, एडमिशन तो लेना चाहते तभी तो फोन करते हैं यार, एडमिशन तो लेना चाहते हैं, अब तो कुछ बच्चे देखते हैं धीरे 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 बच्चा घर से निकलेगा, बच्चे बताएंगे तभी जाके धीरे धीरे बातें बनेगी, तो वैसे एक बात हो क्या आपको, आप जो बच्चे तो पहली बार कोचिंग करें उनके मन में फील होता है, मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे पहले पढ़ चुका होता है उसको पता रहता है कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे ना इंसान उतनी ज्यादा मेहनत करता है, क्योंकि स्टाफ उतना ज्यादा होगा और ज्यादा लोग होंगे तो घर में आज तो फिर यहाँ एक क्वेश्चन को कल कर लेंगे अपन, और अभी 15 मिनट के बाद सभी बच्चों को क्लास लेनी है, 1 घंटे की क्लास है, 15-15